अगर ध्यान लगा के सुनो। हम चाहे तो अपनी स्पीड कम कर सकते हैं, हमारे पीछे कोई भी नहीं है। अलादीन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने के OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस फिल्म को। कुख्यात स्ट्रीट रैट अलादीन जिस राज्य में रहता है वहाँ की राजकुमारी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन उसके महल में पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसे जीतना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर वहाँ राजा का एक स्थानीय चोर अलादीन वहाँ की राजकुमारी जैस्मिन से प्यार करने लगता है और उसे मनाने का फैसला करता है, लेकिन दुष्ट ग्रैंड वजीर जाफर और सुल्तान के मुख्य सलाहकार ने ये शर्त रखी अलादीन को उसके लिए जादुई चिराग और उसका जिन लाना होगा जो 3 इच्छाएं पूरी करता है। अलादीन और जिन की कहानी सभी को पता है और इसी नाम से डिज्नी की एनिमेटेड क्लासिक का ये लाइव एक्शन रूपांतरण जिसने मूल रूप से इस पौराणिक कथा को अमर कर दिया है। इस घटना का अपवाद नहीं है। मैना मसूद और नाओमी स्कॉट की नई जोड़ी काम करती है और ये एक स्वागत योग्य आश्चर्य है क्योंकि दोनों ने स्क्रीन पर एक अद्भुत केमिस्ट्री सजा की है और अपने संबंधित पात्रों के पसंदीदा कारकों को अंत तक बनाए रखा है। विल स्मिथ जिन जहां तक हमारी हंसी उड़ाने की बात है एक सीधे साधे स्वभाव के है, लेकिन फिर से उनकी तुलना मूल फिल्म में रॉबिन विलियम्स के 1992 के अभिनय से कराना अपराध होगा क्योंकि दिवंगत अभिनेता हास्य अभिनेता द्वारा निर्धारित मानक बहुत ही ऊंचे है। जाफर प्रतिशोधी खलनायक फिल्म में इतना बुरा है कि वो वास्तव में अच्छा है और निर्देशक गाय रिची को इस लालच से भरे चरित्र को विकृत मानसिकता को पूरी तरीके से तलाशने और प्रकाश में लाने के लिए ब्राउनी पॉइंट्स जो अनंत आपको आश्चर्यचकित करता है। कौन पापी है और किसके खिलाफ पाप किया गया है। हालांकि पूरे निर्देशन की प्रक्रिया का नकारात्मक पक्ष यह है कि ये कुछ हद तक मिश्रित है और कुछ गीत नृत्य दृश्य देखने और महसूस करने में मजबूर है और उन्हें
टाला जा सकता था। अपनी भव्यता और शानदार सिनेमाटोग्राफी एनिमेशन के बावजूद 2 घंटे और 8 मिनट में फिल्म थोड़ी सी सुस्त लगने लगती है। जिस गति से फिल्म आगे बढ़ती है वो एक और समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सभी किरदारों को बढ़ने और विकसित होने के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है, जबकि अंत को बहुत जल्दी में खत्म कर दिया जाता है। 90 के दशक में पैदा हुए बच्चे जिन्होंने इस कहानी का कार्टून संस्करण देखा है उन्हें शुरुआत में अलादीन से परिचित होना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसके अलावा फिल्म अपनी छोटी मोटी कामियों के बिना अनुकूल है और पहले फ्रेम से ही फिल गुड फैक्टर स्थापित करती है और पर्दे में खुलने तक इसे बनाए रखती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हॉलीवुड फिल्म अलादीन देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखी से फ्री में। अरब के शहर अगड़ावा में एक अनाथ सड़क पर रहने वाला अलादीन और उसका बंदर आबू राजकुमारी जैस्मिन से मिलते हैं, जो महल में अपने आश्रय जीवन से छिपकर भाग गई है। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में सुल्तान बनना चाहती है, लेकिन इसके बजाय उससे अपनी शाही प्रेमी में से एक से शादी करने की उम्मीद की जाती है। जफर महान जादूगर सुल्तान को खर फेंकने की योजना बनाता है और एक जादुई दीपक की तलाश करता है जिसे केवल कच्चा हीरा ही प्राप्त कर सकता है। जैस्मिन से मिलने के लिए शाही महल में घुसते समय अलादीन और आबू को जफर द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो चमत्कारों की गुफा से दीपक प्राप्त करने के बदले में जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए अलादीन को इतना अमीर बनाने की पेशकश करता है। वहां पहुंचकर अलादीन एक जादुई कालीन को मुक्त करता है और उसे दीपक मिलता है। अलादीन जफर को दीपक देता है जो उसे 2 बार क्रश करता है और उसे और अबू को गुफा में ले जाता है, लेकिन अबू दीपक वापस चुरा लेता है। गुफा में फंसा अलादीन दीपक को रगड़ता है और अनजाने में सर्वशक्तिमान जिन को अंदर बुला लेता है, जिसके पास अलादीन की 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। अलादीन बिना किसी इच्छा के तकनीकी आधार पर उन्हें गुफा से बाहर निकल लेता है। जैस्मिन को लुभाने के लिए दृढ़ संकल्पित वो अपनी आधिकारिक पहली इच्छा का उपयोग राजकुमार बनने के लिए करता है और अपनी 3री इच्छा का उपयोग जीन को दास्ता से मुक्त करने और उसे मानव बनने के लिए करने का वादा करता है। अलादीन अबावा के राजकुमार अली के रूप में अग्रवा में एक असाधारण आगमन करता है, लेकिन जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करता है। अलादीन के मानव परिचारक के रूप में प्रस्तुत करते हुए जिन जैस्मिन की दासी दालिया के साथ पारस्परिक रूप से मारा जाता है। अलादीन और जैस्मिन के बीच दोस्ती हो जाती है जब वो उसे जादुई कालीन पर घुमाने ले जाता है। अपनी असली पहचान उजागर करने के लिए धोखे में जाकर उसने उससे झूठ बोला और कहा कि वो वास्तव में एक राजकुमार है और अग्रवा का पता लगाने के लिए एक किसान की तरह कपड़े पहने हैं। जफर को अलादीन की पहचान का पता चलता है और वो उसे महल की खाई में फेंक देता है, ये जानते हुए कि अगर वो बच गया तो ये साबित हो जाएगा कि उसके पास दीपक है। जीन अलादीन को बचाता है जिससे उसकी 2री इच्छा खत्म हो जाता है। एक बार बचाए जाने के बाद अलादीन महल में लौटता है और जफर को जादुई कोबरा कर्मचारियों को नष्ट कर देता है, जिससे सुल्तान पर उसका जादू खत्म हो जाता है और उसकी साजिश का खुलासा हो जाता है। इसके बाद जफर को गिरफ्तार कर कलकोठरी में कैद कर दिया गया। सुल्तान अलादीन को जैस्मिन से शादी करने की अनुमति देता है। अलादीन जिन को मुक्त करने के अपने वादे को मुकर जाता है। उसे लगता है कि वो उसके बिना अपना काम जारी रख पाने में असमर्थ है। इस बात से निराश होकर अलादीन झूठ बोलना जारी रखना चाहता था। जिन अपने दीपक के पास चला जाता है। अपने तोते के साथ ही यावो से मुक्त होकर जफर ने लैंप चुरा लिया और जिन का नया मालिक बन गया। वो अपनी पहली इच्छा का उपयोग सुल्तान बनने के लिए करता है और अपनी 2री इच्छा का उपयोग दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए करता है। इसके बाद जफर अलादीन को बेनकाब कर देता है। उसे और अब्बू को एक जमी हुई बंजर भूमि में निर्वासित कर देता है और सुल्तान और डालिया को मारने की धमकी देता है, जब तक कि जैस्मिन उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं हो जाती। शादी में जैस्मिन दीपक को जफर से बचाती है और अलादीन और अबू के साथ भागने के लिए जादुई कालीन पर कूद जाती है, जिन्हें जादुई कालीन द्वारा जमे हुए बंजर भूमि से बचाया
गया था। जब जीन ने उसे जफर की पीठ के पीछे भेज दिया था, जफर अलादीन और जैस्मिन को फिर से पकड़ने और जादुई कालीन को नष्ट करने के लिए एक रेत ट्विस्टर का उपयोग करता है। अलादीन ने जफर को जिन के बाद दूसरे स्थान पर होने के लिए ताना मारा और उसे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करने के लिए उकसाया। जफर एक जिन में बदल जाता है और अपने ही दीपक के अंदर फंस जाता है। इयागो को अपने साथ खींच लेता है और जिन उन्हें चमत्कारों की गुफा में भेज देता है। अब जादुई कालीन को बचाता है और जिन उसे ठीक करता है। अलादीन अपना वादा निभाता है और अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग जिन को मुक्त करने के लिए करता है, जिससे उसे एक इंसान के रूप में जीने की अनुमति मिलती है। सुल्तान ने जैस्मिन को नई सुल्ताना शासक का ताज पहनाया। अब वो किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए बाध्य नहीं है, वो खुद ही वहाँ का शासक बन जाती है और वो और अलादीन शादी कर लेते हैं। जिन दालिया से शादी करता है और ये एक परिवार शुरू करते हैं और एक साथ दुनिया का पता लगाते हैं। जिन नाभिक बन जाता है जो फिल्म की शुरुआत में अपने बच्चों को अलादीन के बारे में कहानी सुना रहा है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। हाँ जी, करे करे शुरू करे। ओके, वेल इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी बींग एन एक्टर फॉर 22 ईयर्स, बट उसके बाद कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस हो गए जहाँ पे पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी दैट क्यों नहीं आप गाते हैं, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग फॉर बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो सब ने कहा कि वहाँ पे यूजुअली क्या सिंगर्स आते हैं, तो मैंने कहा तो मैं पहला एक्टर हूँ जो सिंगर बन के फिर आएगा। सो ऐसे समझाया गया बहुत सारी चीज़ें, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देन आई मेट MD। सो ये सारा करा कराया, सारा श्रेय इनको ही जाता है, बिकॉज ऑफ हिम आई एम सिटिंग हियर आफ्टर सिंगिंग माई फर्स्ट सॉन्ग। सो देन बड़ी ग्रेशियसली ही गेव मी हिज सॉन्ग टू सिंग, एंड हमने ये प्रोडक्ट फिर हमने शूट किया, पिछले अप्रैल शूट किया था, देन दिसंबर में हमने वीडियो शूट की है विद श्वेता MD, एंड फाइनली द सॉन्ग हैज़ रिलीज टुडे एंड एल्विश इज़ हियर विद अस, सो आई थैंक हिम फॉर बीइंग हियर। सो इट्स बीन अ ग्रेट, एंड बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत एक्सपेक्टेशन है। आई होप आप सबको अच्छा लगे, बिकॉज कोई ट्रेनिंग नहीं ली है मैंने भी, बस दिल से गा दिया है, बाकी आप लोगों के हाथ में है। सो गिव इट ऑल द लव। जी अब क्या है, अब एक्टिंग आप मुझसे कभी भी करा लीजिए, इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी, बट जैसे अब ये इतने सालों से गा रहे हैं, पता है जैसा गाया है, जैसे गवाया है वो तो मुझे पता। बट इन्होंने जो लोग बैठे हुए थे, बिकॉज हाँ फर्स्ट टाइम के हिसाब से 2 घंटे में ही गाया था मैंने भी, बट द टीम दैट वॉज सिटिंग, बिकॉज पंजाबी में गा रहे थे तो वर्ड्स भी सही निकलने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, सो दे वर वेरी पेशेंट, अच्छे से गा लिया एंड इट हैज़ कम आउट वेरी वेल आई थिंक। नहीं नहीं मैं तो पंजाबी हूँ, बट मैंने कभी पंजाबी बोली नहीं थी, बट देन आई डिड अ शो इन पंजाबी, जी पंजाबी पे मैंने किया था मावा ठंडिया छावा, तो एक साल तक वो प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो सिंगिंग वॉज ईजी कमिंग बैक टू इट, बट देन येस फाइनली आई डिड इट। सो हमारा ऐसा प्लान हुआ कि जिस दिन हमारे बाद नेक्स्ट डे हम मिल भी चुके थे, इनका भी प्लान था, मेरा भी था कि यार किसी के साथ कोलैब करें अच्छा, तो मैंने ऐसे शेयर की मेरा ऐसा भाई कुछ अपन करते हैं ऐसा कुछ पंजाबी हरियाणी मिक्स करते हैं, बोलो हाँ ठीक है। 2 दिन बाद मेरे पास गाना भी आ गया, गाना माइंड में जो आया, मैंने विन को बोला कि विन ऐसा कुछ गाना करो, उन्होंने 2 दिन बाद मुझे गाना भी भेज दिया और मैंने इनको सुना भी दिया, इन्होंने याद भी कर लिया, 2 दिन बाद हमारी रिकॉर्डिंग भी होगी, बहुत अच्छा हुआ। यानी जो सोचा था ना मैंने फटाफट हो गया एक्चुअली कि ये ऐसा कर पाएंगे, वो बिल्कुल परफेक्ट निकले यार, एक्टर तो है ही कमाल के, अरे थैंक यू थैंक यू। सिंगर इनसे बेटर नहीं है लेकिन तो
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और करण सर को मैं मतलब लास्ट 2 ईयर से जानती हूँ, बट साथ में काम नहीं किया था। फर्स्ट टाइम MD सर के साथ भी किया है और करण सर के साथ भी किया है, तो बहुत अमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस था। दुबई हमने शूट किया था, 1 वीक के लिए हम गए थे, तो बहुत आराम से स्मूथली हमारा शूट चला और बहुत मजे किए, और पता भी नहीं चला शूट कब कब में हो गया। आई थिंक वो दिख भी रहा है शायद वीडियो में, इट इज कम आउट वेरी वेल। सो मैं तो, ये मेरी फैमिली है, मैं बताऊँ MD भाई मेरे बहुत क्लोज हैं, बाकी करण भाई से मैं एक बार और भी मिल चुका हूँ, श्वेता जी से भी मिल चुका हूँ, मैम से मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ। तो मैं तो ये बोलूँगा गाना बहुत अच्छा है, पहली बारी के हिसाब से बहुत अच्छा गाया भाई ने। थैंक यू। और MD भाई तो गाते ही बहुत बढ़िया हैं, तो गाने को प्यार दो और इस लेवल को सपोर्ट करो। आप लोगों के सपोर्ट से ये और आगे बढ़ेगा और अच्छे अच्छे गाने आएंगे इस पे टाइम के साथ। एलविश का भी आने वाला है शायद। मेरा भी आने वाला है, अगला गाना मेरा ही है। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज, जब से ये रिकॉर्ड हो चुका था, गाना मेरे पास आ गया था, तो मैंने अपने दोस्तों को ऑफकोर्स सुनाया। तो मैं क्या करता था, पहले सुनाता था और फिर बोलता था कि ये नया सिंगर कैसा है, बिकॉज MD को तो जानते ही हैं लोग। कहते हाँ अच्छा है, मतलब आवाज़ फ्रेश लग रही है। मैंने कहा मैंने गाया है। कहते अरे तूने कैसे गाया। कहते फिर सुना ज़रा। एंड दिस हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर म्यूजिक डायरेक्टर्स, हु आर जैसे मीत ब्रदर्स हैं, मीत भाई को सुनाया, श्वेता को सुनाया, सब लोग ही दे कुडंट रिकॉग्नाइज दैट इट्स मी। But it's been a great journey, so I'm enjoying every bit of it. अच्छा, ये प्लान ये था कि गाना मुझे ही था पंजाबी और हरियाणी रैप भी मुझे ही करना था। मेरा ना पंजाबी में थोड़ा हाथ तंग है, हाथ नहीं वैसे ही तंग हूँ मैं तो पंजाबी। बाकी बस वही था कि मन में था कि यार ऐसा कुछ अलग करे, वो जो मन परफेक्ट था ना, वो परफेक्ट ये बंदा मेरा, वो जो बिल्कुल। आई थिंक मोर देन बिलीविंग कि आई वुड बी एबल टू सिंग, वी कनेक्टेड ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। जो जैसे मिलते ही मतलब भाईचारे वाला वो फील आ गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कर लोगे, आप प्रैक्टिस करो। तो फिर मैं प्रैक्टिस कर रहा था। ये हमारा प्लान एक ऐसा था, क्योंकि देखो हरियाणा पंजाब तो बहुत प्यार है, वो ये ना हरियाणा पंजाब एक ही माँ के दो बेटे हैं, बस करोड़ बदल के लेटे हैं। प्यार ही इतना है कि हर बंदा सुनेगा। देखो हरियाणवी एक हिंदी का टूटा भाग है, लोग समझते हैं ना, पंजाबी बीट के हिसाब से लोग सुनते हैं। अगर साउथ में बज रहा है तो सिर्फ वो वर्ड समझ नहीं आता, वो सिर्फ दिमाग में म्यूजिक बज रहा है, तो हमने वही म्यूजिक किया है। और बस जो वर्ड है सुरमा सोनिए हाय नी तेरा सुरमा, वो बड़ा कैची है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये गाना बहुत ही सुपर और बहुत ही हिट होगा, बड़ा कमाल। मैं सुना दूंगा, मैं भूल गया रे। सर ऐसे मत बोलो, करण से स्टार्ट करेंगे। अरे तो बीच में से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑन भाई मैं लाइव सुनना है मुझे। जादू तेरा, अरे क्या था, कोई नहीं ऐसा था, कोई नहीं भाई। हां फर्स्ट वेट मेरे को सुरमा सुरमा सोनी है। म्यूजिक कर लो सर, जादू तेरा प्ले कर दो थोड़ा। हां रेडी रेडी। जादू केड़ा किता है तू दस दे मुंडे तेनू रैन बस तक दे पैरां विच चांजरां कड़ोड़ दिया ने कन्नां विच झुमके हैं लख दे जादू केड़ा किता है तू दस दे मुंडे तेनू रैन बस तक दे पैरां विच चांजरां कड़ोड़ दिया ने ते कन्नां विच झुमके हैं लख दे बस बाकी एंटी करे। मैं ना अपना जॉनर चेंज कर रहा हूँ, मैं बंगाली सॉन्ग्स में आ रहा हूँ, बंगाली फिर भोजपुरी फिर धीरे धीरे तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम इसमें आ रहा हूँ। मैं तो बॉलीवुड छोड़ दिया मैंने, मैं दूसरा जॉनर पकड़ लिया अभी, मिल एक हफ्ते बाद मिल जाएगा। रीजनल में आ गया। यस हम लोग दुबई गए थे एंड ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए गए थे।
3-4 दिन हमने शूट भी किया डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस एंड कभी बोट में थे कभी सैंड में थे सो डिफरेंट बहुत मज़ा आया मस्ती थी सुबह सुबह उठ के हम लोग भाग रहे थे जहाँ मिल रहा था शूट कर रहे थे सो वी कैप्चर्ड आई थिंक द आइडिया वॉज कि ग्रैंड दिखना चाहिए एंड आई थिंक द स्टाइलिंग वॉज ऑल्सो वेरी नाइस वी वर लुकिंग ऑल्सो वेरी गुड और हंसते खेलते हो गया गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब मतलब ताम झाम तो भाई ने कर ही लिया था अरेंज तो ये आपने किया अगर वो बोलें तो वैसे अभी तक तो कोई प्लान नहीं बना ऐसा बट अगर वो चाहेंगे तो हो जाए थैंक यू यस यस यू वांट अस टू सिटिंग ओनली विल डू इट अरे म्यूजिक इवेंट है यार शुड वी स्टार्ट ग्रुप फोटो टेबल रहेगी जॉर्जिया जी वेट ना वेट 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 गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैं भी आ जॉर्जिया जॉर्जिया यार जॉर्जिया वेट बाय जॉर्जिया सो फर्स्ट ऑफ ऑल राजेश सर वेलकम टू आवर चैनल काफी सीरियस कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं IC 814 में जी कैसी रही जर्नी कुछ बताना चाहें आप ऑडियंस को बहुत बड़ी जर्नी थी बहुत ये कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ साथ मैंने वेट बहुत किया है क्योंकि मैंने इसको शूट किया था 2023 जून जुलाई में और मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने इसको शूट किया था क्योंकि सेम टाइम पे मेरे शोज़ चल रहे थे कपिल के साथ हम वर्ल्ड टूर पे थे तो अमेरिका में शोज़ चल रहे थे तो मैं फ्राइडे सैटरडे अमेरिका में शो करता था वहाँ से संडे की फ़्लाइट लेके वापस आता था यहाँ मंडे से शूट करता था थर्सडे तक इनके साथ फिर फ्राइडे मॉर्निंग फ़्लाइट लेता था फिर मैं अमेरिका जाता था वहाँ पर शो करता था शाम को अगले दिन दूसरे शहर में शो करते थे फिर वहाँ से फ़्लाइट लेता था फिर वापस आता था सो मुझे लगा उसने मुझे बहुत हेल्प ही किया है क्योंकि जैसे कि करेक्टर की जर्नी थी कि बहुत थका हुआ था आदमी अंदर 7 दिन आप जाग रहे हैं बहुत थके हुए हैं तो उस थकावट के माहौल में मुझे लग रहा है उस जर्नी ने वो जो मैं सब कर रहा था जाग जाग के तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि भगवान ने जब कुछ ठीक करना होता है तो उसके तरीके टफ लगते हैं आपको लेकिन वो हो ठीक रहे होते हैं राइट 1990 का ये सीन दिखाया गया है 1999 का सीन दिखाया गया है और रियल स्टोरी पे बेस है ये सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना चैलेंजिंग रहा राजेश सर आपके लिए चैलेंजिंग मेरे आसान हो गए क्योंकि अनुभव सर ने और हमारे राइटर हैं त्रिशांत और जो नेटफ्लिक्स की इंटरनल टीम रही है इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर मतलब ये जो शो है मुझे लग रहा है 2019 से तैयार किया जा रहा है और 2000
2023 में शूट किया गया है और 2024 में आया है, तो 5 साल की उन सबकी बहुत मेहनत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने हमें समझाया कि करेक्टर के बारे में, तो अनुभव सर, त्रिशांत, उन्होंने मुझे एक ही लाइन बोली थी कि ये आदमी जो बेसिकली है, ये पहली बार कोई क्राइम कर रहा है, तो वो मेरे करेक्टर में सबको दिखा कि पैनिक हो जाता है, इसने प्लेन पहली बार देखा है और पहली बार में ही इसको हाईजैक करना है, गन इसके हाथ में है, पता नहीं कब चल जाए। तो इसीलिए जो डॉक्टर है दूसरा करेक्टर, तो उसने इसको उस जगह पे रखा था जहाँ कम लोग हैं, ताकि सिर्फ ये पायलट को कंट्रोल कर सके। क्या बात है। तो वो जिस तरह से उन्होंने समझाया था, मुझे लग रहा है कि वो पता नहीं मेरी बॉडी में कैसे घुस गया अंदर। आई डोंट नो, मैंने कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी। मैं बता रहा हूँ ना कि जिस जर्नी में मैं एक तरफ हंसा रहा हूँ लोगों को जाके कि मेरे लाइव शोज़ चल रहे हैं, हमें वहाँ पर लाफ्टर क्रिएट करना है और उसी लाफ्टर को लेके जहाज़ में बैठ के मुझे यहाँ पर आके सीरियस रोल करना है, तो इस वंडरफुल एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगा एज एन एक्टर कि चैलेंजिंग था कि एक तरफ आप हंसा रहे हो अमेरिका जाके और एक तरफ इंडिया में आके आप शूट कर रहे हो सीरियस करेक्टर और इतना सीरियस। और मुझे नहीं पता कब उन्होंने इतने अच्छे से शूट कर लिया। और आई थिंक जितनी भी एडिटिंग टीम है, जितना भी बैकग्राउंड स्कोर का बहुत बड़ा काम है उसने, मुझे याद है कि वो बस वाला सीन इतना इम्पैक्टफुल बना दिया छोटे से शॉट में, मतलब कोई डायलॉग नहीं है, तो दैट वाज टू गुड। यार इधर ही तो कम बोलो इस शो की। तो IC 814 सिर्फ अपने रियल कहानी या रियल स्टोरी के बेस पे ही नहीं, बल्कि हर एक कैरेक्टर को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, दिया मिर्जा, विजय वर्मा, अरविंद स्वामी, और सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाला कैरेक्टर जो रहा वो आपका रहा, क्योंकि आपको पहली बार विलन देखे और इतने दमदार परफॉर्मेंस जिस तरीके से आपने दिया। ऑडियंस कहीं ना कहीं बोल रही है ये कि कॉमेडी से ज़्यादा अगर इन्हें सीरियस कैरेक्टर मिले तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं तो बहुत देर से कह रहा हूँ, लोग मान नहीं रहे थे, पर आई एम वेरी वेरी रियली रियली थैंकफुल टू अनुभव सर और मुकेश छाबड़ापा जी और नेटफ्लिक्स की इंटरनेट टीम के लिए। सबसे पहले तो मैं खुद क्लैप और दिल से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मुकेश छाबड़ा के। पता नहीं उन्होंने कैसे सोचा मेरे बारे में कि एज ए कॉमेडियन जिसको उन्होंने देखा हुआ है। और जब उन्होंने मेरा ऑडिशन भेजा था, मैं आपको किस्सा बताता हूँ जो रियल है, कि जब मेरा ऑडिशन भेजा गया अनुभव सर को, तो अनुभव सर ने मुझे बाद में बताया था जब मैं शूट पे गया, कहते मैंने उसी वक्त फ़ोन किया मुकेश को कि ये राजीव ठाकुर है ना, कहते हाँ जी भाजी, तो कहते क्यों भेजा मेरे को इसका ऑडिशन तूने, कहते क्यों अच्छा नहीं है, कहते अच्छा नहीं होता तो मैं रिजेक्ट करके फेंक देता ना, तुझे फ़ोन नहीं करता। तो कहता फिर प्रॉब्लम क्या है, कहते यार अच्छा बहुत किया इसने, लेकिन ऐसा तो नहीं लगेगा स्क्रीन पर जैसे ये मैं अपना विलेन खोलूँगा लोग हंस पड़ेंगे, या लोगों को ऐसा लगेगा आगे जाके ऐसा कुछ करेगा जिससे हंसी आएगी, तो यार बहुत बड़ा बैगेज है इस पे कॉमेडी का। तो मैं अपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर है विलन्स के अंदर, मैं कैसे रिस्क लूँ इस पे यार, ये तो मुकेश भाजी ने एक लाइन बोली थी उनको, जो उन्होंने बताया कि कहते कि भाजी अगर आप नहीं इनको चांस दोगे तो कौन देगा, जब बंदे ने ऑडिशन क्रैक कर लिया है। तो अनुभव सर बोले कि मेरे दिल को बात छू गई, तो मैंने कहा चल कर लॉक इसको, लेते हैं रिस्क इस पे। तो ये आई एम रियली ग्रेटफुल मतलब उन दोनों के लिए। और फिर तीसरा हूँ मैं ग्रेटफुल कपिल शर्मा का, क्योंकि जो डेट्स ये मांग रहे थे उस डेट्स में हम लोग शोज कर रहे थे अमेरिका में जून में। तो मैं कपिल से बात ही नहीं कर रहा था, कपिल ने मुझे पूछा क्या बात है, तू किससे बात कर रहा था, क्यों ऐसे मना कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है और अपन तो शोज पे जा रहे हैं। कहता कोई नहीं, अपन शोज जुलाई में कर लेंगे, तू सीरीज कर। तो जब लोग बोलते हैं ना कि हम लोग एक ही धंधे में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना मतलब सिक्योर आदमी है, कि उसको इतनी भी इनसिक्योरिटी नहीं है। उसने सामने से मेरे को बोला कि जा तो शो कर, अपन शो आगे ले जाते हैं। वो बात अलग है कि बाद में डेट फिर क्लैश हो गई, क्योंकि ये अपनी शूट डेट जुलाई में ले गए। सो आई हैव टू वर्क हार्ड के ऊपर, मैंने लिखा था कि करना ही पड़ेगा तुझे ये हार्ड वर्क। तो लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं कि यार अपने जो कंपटीटर होते हैं वो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते, बट आई वांट टू से, क्योंकि लोग बहुत कपिल के बारे में बोला करते थे कि वो इनसिक्योर है इसलिए उसके शो में लोग टिकते नहीं है, ये है, वो बहुत सिक्योर आदमी है, वो तो हर आदमी को सपोर्ट करता है। ये जिंदा कहानी है आपके सामने,
कि किस तरह से उसने सपोर्ट किया है मेरे को, मतलब कि नहीं तो सीरीज कर अपन शोज आगे ले जाएंगे। सीजन टू भी आ रहा है द कपिल इंडियन शो, और आप भी नजर आ रहे हैं, गौतम सर भी नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि दिलदार आदमी है कपिल शर्मा, और काफी लंबी लड़ाई चल रही थी नो गुड़त्री के कैरेक्टर को लोगे, लोग पसंद भी कर रहे थे। लड़ाई कोई नहीं थी, कभी कभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो रस्ते अलग कर देती है। लेकिन मुझे पता है कि ये जो कॉमेडी के रस्ते हैं ना, जिधर मर्जी जाएं घूम फिर के ना, फिर एक ही रस्ते पे वापस आते हैं, तो सब लोग कहीं ना कहीं वापस मिलेंगे। कोई कर गया है, कोई कर रहा है, कोई आज मिलेगा, कोई कल मिलेगा, कोई परसों मिलेगा। लेकिन क्योंकि कॉमेडी वाले, मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनके दिल साफ होते हैं, तो जो दिल साफ होते हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं वापस आके। लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने मोस्टली बॉलीवुड इंडस्ट्री से हर किसी के साथ में परफॉर्म किया, अक्षय सर हो गए, चाहे कपिल शर्मा के शो पे मिले हों, उनके साथ कॉमेडी की हो, जब आपकी इस कैरेक्टर को लोगों ने देखा और पसंद किया तो किसका सबसे पहले कॉल आया और क्या कुछ बोले आपको? जो मतलब अनएक्सपेक्टेड कॉल्स थे उसमें कुमुद मिश्रा सर, ही इज इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग, तो जब उन्होंने तारीफ की ना कि भाई तूने इतना वल्नरेबल शो कर दिया अपने आप को, उनको एक एक सीन याद था ये तूने ऐसा किया, सो आई वॉज फीलिंग प्राउड कि यार कुछ तो अनुभव सर ने मेरे से ठीक करा लिया। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट, आई एम वेरी वेरी, मतलब क्या बोलूँ मैम, दिया मिर्जा मैम, उन्होंने इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज किया। सो दैट वॉज, मतलब होता ना सुबह उठ के अरे मतलब दिन बन जाना, तो उनका आया। फिर अपना देवेंदु सर हैं, ये सब लोग एक्टिंग के बहुत बड़े लोग हैं, तो जब इन सब के मैसेज आए, फ़ोन कॉल्स आए, मेरे को गजराज राव सर का आया, सो देन आई फील कि नहीं यार काम ठीक हो गया है। क्या बात है। लास्टली क्या कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस ये कहना चाहूँगा कि जो प्यार आपने IC 814 में मेरे करेक्टर को दिया है, और 15 साल से जिस तरह से कॉमेडी में प्यार दे रहे हैं, और मैं सच कहूँगा कि IC 814 में मुझे करीब करीब इतना प्यार लगभग 15 साल बाद मिला है, जब मैं नया नया टीवी पे आया था लाफ्टर चैली में, तब इस तरह का भरपूर प्यार भर भर के मिला था मेरे को, और उसके बाद आज। सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने IC 814 देखा, अप्रिशिएट किया, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें, और अगर कुछ बुरा लगता है तो भी मेरे को बताएं, अगर कुछ अच्छा लगता है तो ब्लेसिंग्स दें, एंड वही है दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू डन जी। हेलो दादा, रोमांटिक सॉन्ग्स की बात की जाए, रोमांस की बात की जाए, एक ही नाम आता है राजेश कुमार का, दो पल साउंड सो रोमांटिक एंड वी सॉ द वीडियो, वी हमने गाना सुना, बहुत बहुत अलग मेलोडी है, जिस तरीके से वो शूट हुआ एक अलग फ्लेवर है उसमें, क्या कहेंगे आप? मुझे मजा आया जरा गा के, इतना ही कह सकता हूँ कि रोमांटिक तो गाना है ही। एंड बहुत दिन बाद शीला आदित्य ने एक अच्छा मेलोडियस सॉन्ग बनाया, एंड उसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा गा के, बस ये कह सकता हूँ कि ये गाना लोगों को अच्छा लगेगा एकदम। आपका म्यूजिक है इसमें, वी हैव अ लेजेंड सिंगिंग द सॉन्ग हिमसेल्फ, रोमांटिक फ्लेवर है गाने का, आई एम श्योर इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। या वी हैव बीन एसोसिएटेड विद दादा फॉर मेनी इयर्स नाउ, हम लोग तो दादा के साथ 50 से ऊपर गाना बनाए, पर जितना गाना बनाए सारे बंगाली गाना ही थे, लेकिन इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू को दादा को लेकर एक ऐसा गाना बनाए जो वो ही 90s और लेट 90s का जो फ्लेवर है। एंड आई स्ट्रांगली फील दादा इज द ओनली पर्सन किंग ऑफ रोमांस एंड किंग ऑफ मेलोडी, वो एक ज़माना उधर ही शुरू उधर ही खत्म हो गया मेरा हिसाब से, तो वी वॉन्टेड टू ब्रिंग बैक दैट लेगेसी ऑल ओवर अगेन, कि वही जो एक माहौल था वही हम लोग वापस लेके आए, वही 90s का मेलोडी, वही म्यूजिक अरेंजमेंट, वही साउंडस्केप जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसी को हम लोग रिवाइव करें, तो दैट वाज द होल आईडिया। अच्छा अरेंजमेंट भी अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है, एंड लिरिकली भी पावरफुल है, लोगों को एंजॉय मिलेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है, बोलना भूल गया मैंने, बहुत साल बाद दादा फिर यॉर्डलिंग किया गाना में, ये गाना सुन के वही पुराना चीज़ याद आएगा। और सबसे अच्छा चीज़ है दादा आज भी गाना आप सुनेंगे ना लगेगा वही दादा गा रहे हैं 20 साल या 15 साल पहले का गाना, लेकिन आज गाया दादा, द स्टोन इज जस्ट द सेम। नहीं देखो, एक तो बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर गाना बनाता है तो वो
उसके माइंड में कोई ना कोई सिंगर तो रहता ही है कि भाई हम उन्हीं के स्टाइल का गाना बनाएंगे। तो मेरा भाग्य ये है, मेरा लक ये है कि मेरे से जब गाना गवाने आते हैं तो वो पहले से ही उसका माइंड में मैं बस जाता हूँ कि भाई ये कुमार सानू गाएंगे हमारे गाने और किस तरह से होना चाहिए गाना, तो उस हिसाब से ये लोग कंपोजिशन करते हैं। तो जब भी मुझे याद किया जाता है ना तो मेरे को वो टेंशन नहीं रहता कि मेरे टाइप का गाना होगा या नहीं होगा, मतलब 99.9% गाना मेरे टाइप का ही हो जाता है, तभी वो हमको याद करते हैं ना, क्योंकि वो मन में उसका सोचा हुआ रहता है कि भाई ये गाना, तभी हमको याद करते हैं। एंड देन हमको जाके दिक्कत नहीं होती है, हम तो आज भी रेगुलर गा रहे हैं आपको मालूम है। एंड सारा मेलेडियस गाना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी इस जो धामा चौकड़ी के मार्केट है इसमें 90s का मेलेडी लेके कुछ लोग नहीं, सारे लोग एक साइड में, जैसा कि उसका फ्रीडम नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे वो बाउंडनेस का काम कर रहा है। जहाँ पे फ्रीडम है, जैसे कि अपना खुद का कोई रिलीज़ हो या खुद का कोई गाना हो, यूट्यूब में गाना हो, कहीं भी हो, जहाँ पे वो अपना क्रिएटिविटी उसमें दिखा पा रहा है, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग आई थिंक, कि इसीलिए हम लोग गा रहे हैं अभी भी एंड लोग भी पसंद कर रहे हैं, हमारे फैंस भी दुखी नहीं हो रहा है कि भाई चलो हर हफ्ता 10 दिन में गाना मेरा, ये हफ्ते में एक गाना तो निकल ही जाता है यूट्यूब में, तो मज़ा आ जाता है। आ नहीं पाए आज तो हम आए दादा के लिए, नहीं इट वॉज ऑलवेज अ ड्रीम एज ए सेट कि दादा को ले कितना गाना किया हम लोगों ने, लेकिन कभी हिंदी गाना किया नहीं थे। तो हम लोग सोचे थे कुछ कुछ गाने में जो लिरिक्स है ना, सच वर्ड्स आर देयर, जो दादा के सुपरहिट गाने का वर्ड्स है, जैसे बादल, बादलों में चुप रहे चाँद क्यों फिर तेरी कहानी याद आई, वैसा वैसा वर्ड भी हम लोग चुने कि दादा का उसी आवाज़ में वही वर्ड हम लाए दोबारा, जैसे एक नॉस्टैल्जिया काम करे पूरा गाने पे। शब्बीर जी के लिरिक्स हैं, शब्बीर ने लिखा है गाना। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस प्लानिंग दादा से आपने डिस्कस किया पहले? एकदम डिस्कस नहीं किया, डिस्कस तो किए ही थे, जिस दिन रिकॉर्डिंग हुआ दादा उस दिन बैठ के भी उधर से बैठे बैठे लिरिक चेंज करते रहा, बिकॉज वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग इन कैलकटा, बट दादा गेव ऑल हिज फीडबैक, हिज वैल्यूएबल कमेंट्स। हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ही मैं करता हूँ, ऐसे कोई बात ही नहीं है, वो नदीम सवन के साथ भी किया, सबके साथ, बापिदा, जतिन ललित, आनंद मिलिंद, अनु मल्लिक के साथ नहीं चलता, सॉरी अनु मल्लिक नहीं, बाकी अनु थोड़ा सा टाइट है तो वो थोड़ा सा मना के ही रहते हैं। एंड बाकी लोगों के साथ क्या होता है कि जो इनपुट है ना वो हम हमेशा दिया और लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको, एक्सेप्ट किया। मैं हम लोग क्या है कि गाते टाइम पता चलता है ना कि ये लिरिक्स मुंह में जम नहीं रहा, अब ब्लेंड नहीं हो रहा है म्यूज़िक के साथ, तब उसको हम बोलते हैं कि उसका ऑल्टरनेट कोई शब्द चुनो, तो सब सोचने शुरू कर देता है। मेरे माइंड में भी आ जाता है क्योंकि मैंने इतना हज़ार गाने गा चुके हैं, तो मैं फटक से बोलता था, हजार नहीं 27,000 नियर अबाउट, तो मैं हमारे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ कि भाई ये तुम लोग देखो लगा के, तो ब्लेंड हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इनके साथ भी जब गाना किया था मैंने तो इनके साथ भी वैसे ही हुआ था, जैसा हर एक के साथ होता है, इनके साथ भी वैसे ही हुआ, मैं सजेशन दिया कि देखो इस तरह से करो, इस गाने में यूडलिंग है, यूडलिंग की जगह इन्होंने बताया था कि दादा इसको कैसे किया जाए इसको, बट ये लोग कॉम्पोजिशन में, अगर आपका कॉम्पोजिशन में खूबसूरती है ना, आपका कॉम्पोजिशन में अट्रैक्शन है, देन आपके अंदर से ही कुछ क्रिएट करने को दिल करता है कि भाई इस गाने में हम कुछ इनपुट और ये जगह पे होने से बेटर होता, ये जगह पे होने से, तो म्यूजिक डायरेक्टर कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, दे आर वेरी एक्सेप्टेबल पीपल, तो ये लोग कभी मना नहीं करते हैं कि दादा बोला चलो कर लेते हैं, तो उसमें रिजल्ट अच्छा होता है हमेशा से। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर गा के बताए कि कैसे आता है गाना। गाना का जो ट्यून है वही 90s का फ्लेवर वाला, भीगी भीगी हुई ये शाम, भीनी भीनी फिजा महके, देखो बादलों के पीछे, रा 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 री रा रा रा, यही गाना का धुन। तो ये गाना है, अभी आप गाना सुनेंगे, आप गाना देखेंगे, तो म्यूजिक डायरेक्टर हमको गाना देते हैं इस तरह से, हम लोग गाना गाते हैं इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि इस गाने को ना लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मेरे को
गाते टाइम बड़ा मज़ा आया, तो जो गाना आप खुद एंजॉय करते हो आई थिंक पब्लिक उसको एंजॉय करते हैं, जो गाना गाते टाइम आप आपका पसीना छूट जाता है या आपका आंखों से आंसू निकल जाता है तो पब्लिक भी उसमें रोते हैं, सुनना नहीं चाहते। कौन से चैनल प्लेटफॉर्म पे हम फ्लिक्सबक, इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म विच हैज जस्ट बीन लॉन्च। ये फ्लिक्सबक का भी पहला हिंदी गाना हो रहा है, फ्लिक्सबक चैनल से ये गाना लॉन्च हो रहा है और बड़ा धूमधाम से आ रहा है। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम कोई एक कलकत्ता का कंपनी, कलकत्ता का कंपनी जिन्होंने हिंदी गाने के लिए इनिशिएटिव लिया, ये उनको तारीफ करना चाहिए इस बारे में कि क्या नाम बोला तुमने? फ्लिक्सबक। फ्लिक्सबग म्यूजिक। ये जो कंपनी है ये कंपनी फर्स्ट टाइम हिंदी गाना लेके आ रहा है एंड डेफिनेटली मैं उनका हिम्मत का दाद दूंगा कि भाई बॉम्बे में, कलकत्ता में कंपनी और बॉम्बे में ये गाना रिलीज़ करना मामूली बात नहीं है। तो कोशिश है, अच्छा चीज़ कहीं भी आप दे दो, अच्छा चीज़ आप कहीं भी दे दो, मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा चीज़ को हर जगह पे फैलना चाहिए, तो अच्छा गाना, अच्छा म्यूज़िक, अच्छा लिरिक्स फैलना चाहिए। तो ये लोग एक इनिशिएटिव नहीं करा, थैंक्स टू दिस कंपनी कि ये लोग कलकत्ता का होके भी इतना बड़ा बिरा उठाया। लेट अस लॉन्च दिस। यस प्लीज, वी कैन लॉन्च दिस। क्या चलो पोस्टर है, एक एक है ना, अलग अलग है ना, चलो ठीक है। तो लेट्स ओपन दिस, ठीक है, 1, 2, 3 कम ऑन। सच ए ब्यूटीफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट, मजा आ गया। हर कोई कलरफुल करते हैं, देखो ये लोग ब्लैक एंड व्हाइट, ये मतलब ये बता रहा है कि हम पुराने ख्याल के लोग हैं, तो नहीं, दिस इज समथिंग गुड आर्ट इसमें है एंड डेफिनेटली मैं चाहूँगा इस दो पल को आप लोग देखें एंड आपको रियली मज़ा आएगा, इट्स अ गुड सॉन्ग। थैंक यू सर, थैंक यू, यहाँ पे रख देंगे। अभी चाहिए होगा ना सर, यहाँ पे राइट सर। थैंक यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। 10 जून की रात ट्रेलर मैंने देखा है, बहुत ही सुपर ट्रेलर, तो आप बताइए कि 10 जून की रात क्या कुछ होने वाला है आपके साथ एंड क्या कुछ धमाका करने वाले हैं आप 10 जून की रात? आई नो स्ट्रीम हो गया है जियो सिनेमा पर, आप बस अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है 10 जून की रात की जियो सिनेमा पर, और अच्छा है, मतलब जब OTT पे आती है शो तो आप आराम से देख सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं आराम से, सब कुछ आराम से हो सकता है क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग रहेगा उस प्लेटफॉर्म पे। एंड आउट एंड आउट कमर्शियल फॉर्मेट का शो है जो आई थिंक बहुत कम नज़र आता है OTT स्पेस में, कॉमिक ड्रामा ह्यूमर रोमांस जो थ्रिल जो मसाला जॉनर होता है जो हम पहले ज़माने में देखते थे हिंदी फिल्मों में, उसे एक नए सिरे में पेश करने की कोशिश की है और OTT पर लाने की कोशिश की है ताकि Tier 2, Tier 3 की ऑडियंसेस भी, जो हमारे छोटे शहरों की ऑडियंसेस है, वो भी आइडेंटिफाई कर पाए। सो इट्स अ गुड फन रोलर कोस्टर राइड, पनौती रोलर कोस्टर राइड, और क्या ये प्यार का चक्कर है या फिर सब मोह माया है वो आपको 10 जून की रात पता चलेगा। ट्रेलर मैंने देखा, मैंने ये भी देखा कि आप जहाँ भी जाते हैं जो भी काम करते हैं उसमें पनौती कुछ ना कुछ आ जाती, बट आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 10 जून की रात किस अंदाज में इस बार आप दिखाई देने वाले हैं?
किस किरदार में दिखाई देने वाले हैं? मेरे किरदार का नाम है भागेश सिंह सोलंकी, जिसे पनौती का टैग दिया जाता है। लेकिन वो किरदार, मतलब उसके दुख में भी लोगों को हंसी आएगी, क्योंकि इतनी अच्छी सिचुएशनल कॉमेडी बनाने की कोशिश की है। और मैंने तो कॉमेडी काफ़ी कुछ किया है, लेकिन ऐसा रोल बहुत टाइम की बात कर रहा हूँ जिसमें एज अ हीरो मुझे अलग अलग शेड्स करने का मौका मिल रहा है, जैसे जिसमें एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, इमोशंस है, ड्रामा है और एक्शन भी है। लेकिन लोगों को लोग देखेंगे तो वो इस सब में कॉमेडी ज़्यादा पाएंगे, क्योंकि उन्हें सिचुएशंस कॉमिक लगेंगी, उन्हें पनौती की जर्नी हंसाएगी। और फिर कैरेक्टर का एक ग्राफ चेंज होते रहता है, जहाँ मतलब ड्रामा शुरू होता है और जहाँ कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है, तो कॉमेडी के अलावा लोग उसके इमोशंस भी समझेंगे, उसकी जर्नी के साथ भी उसकी फीलिंग्स को महसूस करेंगे, और इमोशंस भी आएगा ड्रामा में, मतलब थ्रिल भी आएगा। सो इट्स अ इंडियन थाली जो आप कहते हैं ना, दैट्स व्हाट इट इज़। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैंने देखा कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी बात पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पनौती आ जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल पूछा होगा कि तुषार जी, जब भी कोई काम करने जाते हैं, क्या कभी ऐसा लगता है अरे यार, मतलब घर से निकल रहा था यार, पनौती लग गई, ये काम स्टार्ट ही कर रहा था कि पनौती लग गई, यहाँ जा रहा था कुछ शूटिंग या कुछ भी इन जनरल आपकी लाइफ में कि पनौती लग गई, अभी थोड़ा रुकते हैं, या फिर क्या करते हैं आप, कैसे हैंडल करते हैं? कुछ दिन ऐसे होते हैं, ऐसे कभी ऐसा नहीं होता कि कभी भी नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं होता है कि यार रोज़ होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि हर चीज़ में रुकावट आ रही है, या फिर हर चीज़ डिले हो रहा है, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है वो आपके मूड पर डिपेंड करता है, आपकी खुद की सोच पर डिपेंड करता है। आप इफ़ यू आर वोकिंग अप द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, देन धीरे धीरे आपके साथ जो भी हो रहा होता है वो आपको या तो अच्छा लगेगा नहीं, अगर अच्छा भी हो रहा है, और कभी कभी अच्छी चीज़ ही बुरी होने लगती है, धीरे धीरे वो पलट जाती है और वो नेगेटिव में चली जाती है। तो वो आपकी जहन पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे, आपके अंदर क्या चल रहा है, अगर आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं उस दिन अगर आप पॉजिटिविटी से उठे हैं अपने बिस्तर से तो पॉजिटिव ही होगा। या लक का मुझे लगता है आपके अंदर के इमोशंस और आपके अंदर की जो एक आपके अंदर का जो नेचर है उस मोड पर उस दिन, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। लक पर बिलीव करते हैं? यस यस, आई बिलीव इन लक। आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशन सो मच, बट आई बिलीव इन लक। जैसे कि मैंने कहा कि आपका लक आप पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक मेहनत से, अपने अच्छे कर्मों से आप अपने लक को चेंज भी कर सकते हैं। सो हाल फिलहाल में ऐसा कोई काम आप करने गए, आपको लगा कि यार यहाँ पनौती लग गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसे मैं पूरे लक के तौर पर करूँगा, ऐसा कुछ हुआ? नेक्स्ट टाइम कभी होता नहीं। नेक्स्ट टाइम भी अगर हम चाहते हैं कि यार इस बार मैं पूरी सतर्कता के साथ, पूरी प्रेपरेशन के साथ करूँगा, तो लक भी कुछ नहीं कर पाएगी, फिर कुछ और हो जाता है। जैसे कि कभी कभी हम बोलते हैं यार मैं इस बार तो मैं वही रास्ता नहीं लूँगा, मैं हाईवे ले लूँगा, या फिर मैं अंदर से जाऊँगा, और पता चलता है कि वहाँ रास्ता ही तोड़ी गई, रास्ता टूटा हुआ है, या फिर काम चल रहा है, या फिर बारिश आ जाती है और ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो ये बहुत हुआ है, जैसे कि मैं 10 जून की रात की शूटिंग के लिए जा रहा था, तो एक्चुअली लक ने मेरा साथ दिया उस दिन, क्योंकि नायगांव जाने वाले थे और मैप पे दिखा रहा था कि 2 घंटे, तो मैंने ट्रेन में चला गया मैं, तो तब लक ने मेरा साथ दिया, क्योंकि वो ड्राइव जो था वो 4 घंटे का होने वाला था, क्योंकि मेरी गाड़ी 4 घंटे बाद पहुंची, तो और मैं इनफैक्ट 2 घंटे में पहुंच गया। तो कभी कभी लक बैड लक टू गुड लक भी हो सकता है, पनौती टू भाग्यश भी हो सकता है। कोई मिला आपको कि अरे तुषार जी आज आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, हम टेक अ सेल्फी कि हमारा लक बदल गया? नहीं, मैं तो मास्क पहन के गया था, तो इतने लोग मतलब पहचान नहीं पाए, लेकिन उस रात को एक लड़के ने पहचान लिया था मुझे, क्योंकि मास्क निकाल के मैंने बात करना शुरू किया था, या पानी लेने के लिए मास्क निकाला था, तो उसने पहचान लिया था। और फिर अगले दिन भी एक फैमिली थी जिन्होंने मुझे देखकर थोड़ा पहचान लिया था, लेकिन लकली उनकी स्टेशन आई, बोरीवली स्टेशन आई, और उनको निकलना पड़ा, तो वो फ़ोन करने लगे थे लोगों को कि अरे यार ये है यहाँ पर, फ़ोटो लेते हैं, ये ले लेते, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं है किसी के लिए, तो उनको निकलना ही पड़ा, बच गया मैं। चलिए तुषार जी, मुझे पता है कि जब आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तब OTT का ज़माना बिल्कुल भी नहीं था, कहीं दूर दूर तक नहीं था, आपकी फिल्में थिएटर में, मास हीरो टाइप की फिल्में आपके थिएटर में आई हैं, एंड अब आप फुल फ्लैश में OTT पर आए हैं 10 जून की रात, तो
कितना चेंज मानते हैं आप और कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए एंड कैसे देखते हैं आप फिल्में? थिएटर में होती हैं तो लोग थिएटर में जाते हैं बड़े पर्दे का जो आप मोबाइल में भी OTT के जरिए 10 जून की रात को भी ये भी OTT पर देख सकते हैं आप, कितना चेंज है एंड कितना चैलेंजिंग हो गया है? इनिशियली तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि जब मुझे अपनी फिल्म लक्ष्मी भी OTT पर लगानी पड़ी तो मुझे थोड़ा एक एडजस्टमेंट मेंटली करना पड़ा कि अरे यार ये फिल्म थिएटर के लिए बनी थी, अभी कोविड की वजह से OTT पर लेके आनी पड़ रही है। लेकिन फिर समझ में आया कि सक्सेस इज सक्सेस, वो चाहे OTT पे हो या थिएटर में हो। हाँ, OTT पर इतना बैंड बाजा नहीं बजता है अगर आपकी चीज़ चलती है, इतनी बुराई भी होती नहीं होती अगर नहीं चलती है, जिसका अच्छा ही है, जिससे अच्छा ही होता है, क्योंकि ज़्यादा नॉइज़ किसी भी तरीके का नॉइज़ ना हो तो बेहतर ही है। लेकिन सक्सेस या फेलियर का पता चल ही जाता है अगर आपको थिएटर्स के सिनेमाज़ के कलेक्शंस मिलते हैं तो OTT पे व्यूज़ मिलती हैं। सो आई थिंक हमें अपनी सोच बढ़ानी पड़ी और मैंने भी अपनी सोच थोड़ी ब्रॉडन की और रियलाइज़ किया कि OTT इज़ एज गुड अ मीडियम, इट कैन रीच द टारगेट ऑडियंस, इट कैन गेट नंबर्स एंड इट कैन गिव यू वैलिडेशन। एक पिक्चर आई थी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के जरिए पर, यू एंड प्रियंका चौधरी, वो वेडिंग बहुत वायरल हुई। यस, बहुत वायरल हो गए, बहुत सारे लाइक उन्हें भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। यस, कि मतलब उनके बॉयफ्रेंड के बारे में कि अरे उनका क्या होगा, एंड आपके बारे में भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। सोशल मीडिया जहाँ आपको तारीफ मिलती है वहाँ आपको नेगेटिविटी भी मिलती है, तो कैसे देखा आपने, कैसे हैंडल किया आपने उस पिक्चर को जब इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट डालते ही वायरल एंड ट्रोलिंग भी हुई कुछ? अच्छा लगा, मतलब ट्रोलिंग का तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं सारे कमेंट्स इतना पढ़ता नहीं हूँ। और ट्रोलिंग मतलब एक मात्रा में आप कुछ भी करो, आई थिंक आप नोबेल प्राइज़ भी जीते तो ट्रोलिंग होगी। हर चीज़ को नकली मानते हैं, हर चीज़ को मतलब उनको लगता है कि इसका कुछ अंदरूनी मतलब है या फिर कोई रहस्य है इसके पीछे, बट उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। आई मीन आप देखो भी जितने लाइक्स हैं और इतनी कमेंट्स हैं, लाइक्स तो ज़्यादा ही होती है, मतलब 100 times more। सो पॉजिटिव देखो तो अच्छा लगेगा कि इतने सारे लोग वायरल कर रहे हैं इस पिक्चर को, तो शो को भी ज़्यादा महत्व मिलता है क्योंकि शो का एक शॉट है, शो के अंदर हमारी शादी होती है या नहीं होती, क्योंकि ये 3.5 फेरे का फेरों का मामला है जो उन्होंने लिखा, हमने लिखा भी था उसमें 3.5 फेरे हुए हैं, तो क्यों 3.5 फेरे, क्या होता है शो में, तो वो सब देखना है आपको। सुपर, एंड इसके अलावा रक्षाबंधन भी आ रहा है तो तुषार कपूर जी हमारे सामने हो, ये सवाल ना आए आई थिंक, तो रक्षाबंधन की क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? फिलहाल तो 10 जून की रात में ही बिज़ी हूँ और वेलकम की शूटिंग भी शुरू होने वाली है कल, तो उसी में बिज़ी हूँ। और राखी का तो सोचा नहीं है, राखी का तो एक दिन पहले ही सोचेंगे। अच्छा। और मम्मी ही सारी तैयारी करती है तो हम बस मिलके मतलब एकता तैयारी करती है सारी राखी की, तो बहनों को पूछना चाहिए, आप भाई को क्यों पूछ रहे हो? नहीं मतलब कितना आपके लिए इस दिन बहुत बहुत मज़ा आता है, मैं क्योंकि आते हैं एक दिन मिलता है जब हम आते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, कज़िन्स को मिलते हैं, इंडियन कपड़े पहनते हैं, नॉट रियली बट कभी कभी, और फिर पूरा दिन छुट्टी का माहौल हो जाता है, यू नो, तो इट बिकम्स लाइक अ वेरी वेरी फेस्टिव ओकेजन, वेरी हैप्पी पॉजिटिव ओकेजन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड कुछ कोर्टरूम ड्रामा भी कर रहे हैं आप, मैंने कहीं तो पढ़ा डंक, यस डंक, और आपकी गुलमाल जो आपने अभी बताया इसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना बिजी शेड्यूल जा रहा है इन सब को लेकर एंड कितना आपके लिए ये शेड्यूल कैसा चल रहा है? वेल ये साल काफ़ी बिजी रहा है क्योंकि 10 जून की रात के काफ़ी एपिसोड्स किए मैंने, फिर वेलकम टू द जंगल भी 50% कंप्लीट की है, और कप कपी भी मैंने एक फिल्म है संगीत सिवन जी की वो फिनिश की, और अब आने वाली फिल्मों में से डंक है, हीरो हीरोइन है जो एक तेलुगु फिल्म है, सो बहुत सारी फिल्में लेकर आऊँगा मैं अगले साल या फिर इस साल के अंत तक, स्टार्टिंग में 10 जून की रात, लेकिन शूटिंग तो उनकी इस साल में ही हुई है, सो इट्स अ बिजी ईयर। ये सारी फिल्में थिएटर में आने वाली हैं? यस, ऑल आर मेड फॉर थिएटर एंड एक्सेप्ट या एक्सेप्ट आई थिंक हीरो हीरोइन इज़ फॉर OTT, हीरो हीरोइन इज फॉर OTT, वेलकम इज फॉर थिएटर, 10 जून इज फॉर OTT। या तो चलिए ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप 10 की रात जो जियो सिनेमा पे आ चुकी है, आप बताइए। Well, just want to tell everyone that my new show, 10 June Ki Raat, is streaming on Jio Cinema, and it's an out-and-out fun roller coaster ride with predominantly comedy, but a lot of action, emotion, drama, and thrill. So, watch
my new thriller dramedy called 10 June Ki Raat. Super. Lovely. Thank you, Ji. Thank you so much. Done so many interviews. Pranam. Sahit, pranam. तन्वी जी क्या लेके जा रहे हैं? अरे सर आप मोबाइल किसी ने यार अरे रुको एक सेकंड तन्वी जी यार रुकिए ना फोटो लेवा एक सेकंड रुकिए ना तन्वी जी मूड खराब है तन्वी मैम रुकिए नहीं रहे मैम एक बार रुकिए ना सर पाजी पाजी वेट पाजी वेट पाजी वेट पाजी इधर इधर पाजी इधर पाजी यहां पे अपन सर यहां पे थैंक यू मैडम लाइट नहीं आ रहा अंदर करते हैं क्या बोल रहे हो ये बाहर आ जा अंदर कर ले अच्छा ना बस बस अंदर मत बस बस यहां तक आ सर कपिल सर यहां पे चलो आ जा अंदर पे नहीं 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 बंद करो चलो हो जाओ अंदर जाके बस करण भाई रुकिए ना करण भाई तेजा जी रुकिए रुकिए ना तेजा जी रुकिए तेजा जी रुकिए वेट 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 जी रुको ना तेजा जी तेजा जी तेजा जी आपके भाई का बर्थडे कलवा कलवा का बर्थडे चलो भाई अरे मार गाड़ी को लग जाएगी भाई भाई रुकिए सोलो को जल्दी लो हार्दिक भाई रुक जाइए सोलो के लिए आपका भाई सोलो भाई सोलो 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 यहां पे भाई यहां पे थैंक यू थैंक यू बंदे तेरा क्या अपना बाय बाय किसका खुशी जी खुशी जी खुशी जी खुशी भाई जी बैठ 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 खुशी भाई मेरे जो खुशी भाई पीछे मैडम अरे गाड़ी के साथ वीडियो अलग मैडम मैडम अलग जी बाय
मैम इधर आइए, अरे मैम इधर आइए, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। हाउ आर यू मनीषी? मैम लुक गया, मैम ऑन योर राइट। मैम लुक गया, क्यूट स्माइल प्लीज, वेट वेट वेट, लवली स्माइल। मनीषी राइट 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 कॉर्नर। थैंक यू मनीषी, टेक केयर। मेरा जी रुके ना, मेरा जी वेट, मेरा जी वेट, मेरा जी, मेरा जी वेट रुके, मेरा जी, मेरा जी, मेरा जी वेट, नहीं रुकती रे, मेरा जी, मेरा जी, मेरा जी, मेरा जी पीछे, मैम मैम रुक बैक, मेरा जी रुक बैक मैम, यहां पर आ रहा है, मैं नगेट का काम करती हूं, ये दूसरी चीज है, बैकग्राउंड लगा दिया, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे 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 आ जाओ, आओ तो राइट लो, थोड़ा पास में पीछे आओ, आप सर सेंटर में हो गया? नहीं नहीं स्पॉटिंग हो गया, ये जानवर, ये दोनों जानवर दिख गए नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क में, प्रवीण नेशनल पार्क में स्पॉटिंग चीता दिख गया। आज कोई जानवर नहीं है, आज शुक्र है हम इंसान बन गया है, हमारे दोस्त वहाँ पे बैठे हैं, बंदर थोड़ा और क्लोज, बस क्लोज 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 सर, क्लोज है इश, या अभी सेंटर में होल्ड, सेंटर है, यस यस यस, बहुत डिफिकल्ट है यार, क्या बात कर रहे हैं, अभी हमारी तरह ऐसे यू आर यूज्ड टू वेरी आई एम यूज्ड टू इट, सोलो 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 फॉलो फॉलो, चलो आप पहले कर लो, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, इधर मैं यहां पे, यहां पे ये राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, नाउ योर लेफ्ट साइड, इधर इधर इधर, थैंक यू, थैंक यू बॉयज, लेडीज राइट, यस राइट, यस सेंटर, नीलम जी वहाँ पे रुके ना, मैं वहाँ पे यहीं पे पूरा लाइट ही नहीं, भाई छाता हटा दो ना, थोड़ा छाता पानी आएगा, अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं कर जाएगा, पूरा रेड आ रहा है ऊपर, इधर इधर, हाँ दो सेकंड ले लो सर, नहीं नहीं पाए, यस तो चंकी सर भी आ गए साथ में करते, चंकी सर भी आ गए, thank you, wait wait wait, sir thank you sir, thank you sir, mama mia, ek thoda chhata hata do bhai, chhata hata do, side piche se clear, kya baat hai, yes yes, sir hero lag rahe ho ekdam sunte ki dukaan lag rahe ho, यहाँ पर लेफ्ट 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 यहाँ पर
सेंटर में थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू यस यस बाय बाय सर भाई जरा पीछे अब मैडम रिश्मा जी वेट 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 मैम एक मिनट दो मिनट वापस बिल्कुल मैम मैम यो मैम बारिश है हाँ मैम होल्ड होल्ड यहाँ पे ही ना मैम सेट कीजिए नीचे नीचे हाँ उधर अच्छा आएगा थैंक यू रिश्मा जी बाय पीछे मैम थैंक यू क्या हुआ क्या हुआ पश्मीना मैम 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 पश्मीना जी थोड़ा आगे आइए ना थोड़ा आगे आइए ना पश्मीना जी थोड़ा 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 आगे आइए ना दो मिनट कर ले तू भी मैं तेरे एक साथ मार देता हूँ अच्छा रेट कर दो जैसे रुकना नहीं चाहिए मेरा घर से फोटो मारे तुम्हारे वैसे मेरे को भी लेने के लिए कपड़ा तो सही कर वैसे रख आया अच्छा इसको भी लेकर बैडमैन इस बाइक शांति इधर से सामने देखे ना वो गेट भंडारी मिस्टर भंडारी हाँ हाई भंडारी जी
ठीक है नहीं मेरे मैनेजर नंबर जो उसको कॉल करने बोलना क्योंकि मैं हूँ नहीं गया। दूसरा नंबर जो भेजा था ना फिरोज जैदी का उसको कॉल करने आ गया। मारियो सर आ गया Thank you. सर आप भागते हैं हमेशा सर 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 भाई साहब हेलो
बता दें फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने के OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस फिल्म को। कुख्यात स्ट्रीट रैट अलादीन जिस राज्य में रहता है वहाँ की राजकुमारी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन उसके महल में पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसे जीतना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर वहाँ राजा का एक स्थानीय चोर अलादीन वहाँ की राजकुमारी जैस्मिन से प्यार करने लगता है और उसे मनाने का फैसला करता है, लेकिन दुष्ट ग्रैंड वजीर जाफर और सुल्तान के मुख्य सलाहकार ने ये शर्त रखी अलादीन को उसके लिए जादुई चिराग और उसका जिन लाना होगा जो 3 इच्छाएं पूरी करता है। अलादीन और जिन की कहानी सभी को पता है और इसी नाम से डिज्नी की एनिमेटेड क्लासिक का ये लाइव एक्शन रूपांतरण जिसने मूल रूप से इस पौराणिक कथा को अमर कर दिया है। इस घटना का अपवाद नहीं है। मैना मसूद और नाओमी स्कॉट की नई जोड़ी काम करती है और ये एक स्वागत योग्य आश्चर्य है क्योंकि दोनों ने स्क्रीन पर एक अद्भुत केमिस्ट्री सजा की है और अपने संबंधित पात्रों के पसंदीदा कारकों को अंत तक बनाए रखा है। विल स्मिथ जिन जहां तक हमारी हंसी उड़ाने की बात है एक सीधे साधे स्वभाव के है, लेकिन फिर से उनकी तुलना मूल फिल्म में रॉबिन विलियम्स के 1992 के अभिनय से कराना अपराध होगा क्योंकि दिवंगत अभिनेता हास्य अभिनेता द्वारा निर्धारित मानक बहुत ही ऊंचे है। जाफर प्रतिशोधी खलनायक फिल्म में इतना बुरा है कि वो वास्तव में अच्छा है और निर्देशक गाय रिची को इस लालच से भरे चरित्र को विकृत मानसिकता को पूरी तरीके से तलाशने और प्रकाश में लाने के लिए ब्राउनी पॉइंट्स जो अनंत आपको आश्चर्यचकित करता है। कौन पापी है और किसके खिलाफ पाप किया गया है। हालांकि पूरे निर्देशन की प्रक्रिया का नकारात्मक पक्ष यह है कि ये कुछ हद तक मिश्रित है और कुछ गीत नृत्य दृश्य देखने और महसूस करने में मजबूर है और उन्हें टाला जा सकता था। अपनी भव्यता और शानदार सिनेमाटोग्राफी एनिमेशन के बावजूद 2 घंटे और 8 मिनट में फिल्म थोड़ी सी सुस्त लगने लगती है। जिस गति से फिल्म आगे बढ़ती है वो एक और समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सभी किरदारों को बढ़ने और विकसित होने के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है, जबकि अंत को बहुत जल्दी में खत्म कर दिया जाता है। 90 के दशक में पैदा हुए बच्चे जिन्होंने इस कहानी का कार्टून संस्करण देखा है उन्हें शुरुआत में अलादीन से परिचित होना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसके अलावा फिल्म अपनी चोरी मोरी कामियों के बिना अनुकूल है और पहले फ्रेम से ही फिल गुड फैक्टर स्थापित करती है और पर्दे में खुलने तक इसे बनाए रखती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar और Amazon Prime Video पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हॉलीवुड फिल्म अलादीन देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखी से फ्री में। अरब के शहर अगड़ावा में एक अनाथ सड़क पर रहने वाला अलादीन और उसका बंदर आबू राजकुमारी जैस्मिन से मिलते हैं जो महल में अपने आश्रय जीवन से छिपकर भाग गई है। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में सुल्तान बनना चाहती है, लेकिन इसके बजाय उससे अपनी शाही प्रेमी में से एक से शादी करने की उम्मीद की जाती है। जफर महान जादूगर सुल्तान को खर फेंकने की योजना बनाता है और एक जादुई दीपक की तलाश करता है जिसे केवल कच्चा हीरा ही प्राप्त कर सकता है। जैस्मिन से मिलने के लिए शाही महल में घुसते समय अलादीन और आबू को जफर द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो चमत्कारों की गुफा से दीपक प्राप्त करने के बदले में जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए अलादीन को इतना अमीर बनाने की पेशकश करता है। वहां पहुंचकर अलादीन एक जादुई कालीन को मुक्त करता है और उसे दीपक मिलता है। अलादीन जफर को दीपक देता है जो उसे 2 बार क्रश करता है और उसे और अबू को गुफा में ले जाता है, लेकिन अबू दीपक वापस चुरा लेता है। गुफा में फंसा अलादीन दीपक को रगड़ता है और अनजाने में सर्वशक्तिमान जिन को अंदर बुला लेता है जिसके पास अलादीन की 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। अलादीन बिना किसी इच्छा के तकनीकी आधार पर उन्हें गुफा से बाहर निकल लेता है। जैस्मिन को लुभाने के लिए दृढ़ संकल्पित वो अपनी आधिकारिक पहली इच्छा का उपयोग राजकुमार बनने के लिए करता है और अपनी 3री इच्छा का उपयोग जिन को दास्ता से मुक्त करने और उसे मानव बनने के लिए करने का वादा करता है। अलादीन अबावा के राजकुमार अली के रूप में अग्रवा में एक असाधारण आगमन करता है, लेकिन जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करता है। अलादीन के मानव
परिचारक के रूप में प्रस्तुत करते हुए जिन जैस्मिन की दासी दालिया के साथ पारस्परिक रूप से मारा जाता है। अलादीन और जैस्मिन के बीच दोस्ती हो जाती है जब वो उसे जादुई कालीन पर घुमाने ले जाता है अपनी असली पहचान उजागर करने के लिए। धोखे में जाकर उसने उससे झूठ बोला और कहा कि वो वास्तव में एक राजकुमार है और अग्रवा का पता लगाने के लिए एक किसान की तरह कपड़े पहने हैं। जफर को अलादीन की पहचान का पता चलता है और वो उसे महल की खाई में फेंक देता है, ये जानते हुए कि अगर वो बच गया तो ये साबित हो जाएगा कि उसके पास दीपक है। जीन अलादीन को बचाता है जिससे उसकी दूसरी इच्छा खत्म हो जाता है। एक बार बचाए जाने के बाद अलादीन महल में लौटता है और जफर को जादुई कोबरा कर्मचारियों को नष्ट कर देता है जिससे सुल्तान पर उसका जादू खत्म हो जाता है और उसकी साजिश का खुलासा हो जाता है। इसके बाद जफर को गिरफ्तार कर कलकोठरी में कैद कर दिया गया। सुल्तान अलादीन को जैस्मिन से शादी करने की अनुमति देता है। अलादीन जिनको मुक्त करने की अपने वादे को मुकर जाता है। उसे लगता है कि वो उसके बिना अपना काम जारी रख पाने में असमर्थ है। इस बात से निराश होकर अलादीन झूठ बोलना जारी रखना चाहता था। जिन अपने दीपक के पास चला जाता है अपने तोते के साथ ही। यावो से मुक्त होकर जफर ने लैंप चुरा लिया और जिन का नया मालिक बन गया। वो अपनी पहली इच्छा का उपयोग सुल्तान बनने के लिए करता है और अपनी दूसरी इच्छा का उपयोग दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए करता है। इसके बाद जफर अलादीन को बेनकाब कर देता है। उसे और अब्बू को एक जमी हुई बंजर भूमि में निर्वासित कर देता है और सुल्तान और डालिया को मारने की धमकी देता है जब तक कि जैस्मिन उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं हो जाती। शादी में जैस्मिन दीपक को जफर से बचाती है और अलादीन और अबू के साथ भागने के लिए जादुई कालीन पर कूद जाती है जिन्हें जादुई कालीन द्वारा जमे हुए बंजर भूमि से बचाया गया था। जब जीन ने उसे जफर की पीठ के पीछे भेज दिया था जफर अलादीन और जैस्मिन को फिर से पकड़ने और जादुई कालीन को नष्ट करने के लिए एक रेत ट्विस्टर का उपयोग करता है। अलादीन ने जफर को जीन के बाद दूसरे स्थान पर होने के लिए ताना मारा और उसे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करने के लिए उकसाया। जफर एक जीन में बदल जाता है और अपने ही दीपक के अंदर फंस जाता है। यागो को अपने साथ खींच लेता है और जीन उन्हें चमत्कारों की गुफा में भेज देता है। अब जादुई कालीन को बचाता है और जीन उसे ठीक करता है। अलादीन अपना वादा निभाता है और अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग जीन को मुक्त करने के लिए करता है जिससे उसे एक इंसान के रूप में जीने की अनुमति मिलती है। सुल्तान ने जैस्मिन को नई सुल्ताना शासक का ताज पहनाया। अब वो किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए बाध्य नहीं है। वो खुद ही वहाँ का शासक बन जाती है और वो और अलादीन शादी कर लेते हैं। जिन दालिया से शादी करता है और ये एक परिवार शुरू करते हैं और एक साथ दुनिया का पता लगाते हैं। जिन नाभिक बन जाता है जो फिल्म की शुरुआत में अपने बच्चों को अलादीन के बारे में कहानी सुना रहा है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। अलादीन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने के OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस फिल्म को। कुख्यात स्ट्रीट रैट अलादीन जिस राज्य में रहता है वहाँ की राजकुमारी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है लेकिन उसके महल में पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसे जीतना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर वहाँ राजा का एक स्थानीय चोर अलादीन वहाँ की राजकुमारी जैस्मिन से प्यार करने लगता है और उसे मनाने का फैसला करता है लेकिन दुष्ट ग्रैंड वजीर जाफर और सुल्तान के मुख्य सलाहकार ने ये शर्त रखी अलादीन को उसके लिए जादुई चिराग और उसका जिन लाना होगा जो तीन इच्छाएं पूरी करता है। अलादीन और जिन की कहानी सभी को पता है और इसी नाम से डिज्नी की एनिमेटेड क्लासिक का ये लाइव एक्शन रूपांतरण जिसने मूल रूप से इस पौराणिक कथा को अमर कर दिया है। इस घटना का अपवाद नहीं है। मैं ना
मसूद और नाओमी स्कॉट की नई जोड़ी काम करती है और ये एक स्वागत योग्य आश्चर्य है क्योंकि दोनों ने स्क्रीन पर एक अद्भुत केमिस्ट्री सजा की है और अपने संबंधित पात्रों के पसंदीदा कारकों को अंत तक बनाए रखा है। विल स्मिथ जिन जहां तक हमारी हंसी उड़ाने की बात है एक सीधे साधे स्वभाव के है लेकिन फिर से उनकी तुलना मूल फिल्म में रॉबिन विलियम्स के 1992 के अभिनय से कराना अपराध होगा क्योंकि दिवंगत अभिनेता हास्य अभिनेता द्वारा निर्धारित मानक बहुत ही ऊंचे है। जाफर प्रतिशोधी खलनायक फिल्म में इतना बुरा है कि वो वास्तव में अच्छा है और निर्देशक गाय रिची को इस लालच से भरे चरित्र को विकृत मानसिकता को पूरी तरीके से तलाशने और प्रकाश में लाने के लिए ब्राउनी पॉइंट्स जो अनंत आपको आश्चर्यचकित करता है। कौन पापी है और किसके खिलाफ पाप किया गया है। हालांकि पूरे निर्देशन की प्रक्रिया का नकारात्मक पक्ष यह है कि ये कुछ हद तक मिश्रित है और कुछ गीत नृत्य दृश्य देखने और महसूस करने में मजबूर है और उन्हें टाला जा सकता था। अपनी भव्यता और शानदार सिनेमाटोग्राफी एनिमेशन के बावजूद 2 घंटे और 8 मिनट में फिल्म थोड़ी सी सुस्त लगने लगती है। जिस गति से फिल्म आगे बढ़ती है वो एक और समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सभी किरदारों को बढ़ने और विकसित होने के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है जबकि अंत को बहुत जल्दी में खत्म कर दिया जाता है। 90 के दशक में पैदा हुए बच्चे जिन्होंने इस कहानी का कार्टून संस्करण देखा है उन्हें शुरुआत में अलादीन से परिचित होना थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन इसके अलावा फिल्म अपनी छोटी मोटी कामियों के बिना अनुकूल है और पहले फ्रेम से ही फिल गुड फैक्टर स्थापित करती है और पर्दे में खुलने तक इसे बनाए रखती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हॉलीवुड फिल्म अलादीन देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखी से फ्री में। अरब के शहर अगड़ावा में एक अनाथ सड़क पर रहने वाला अलादीन और उसका बंदर आबू राजकुमारी जैस्मिन से मिलते हैं जो महल में अपने आश्रय जीवन से छिपकर भाग गई है। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में सुल्तान बनना चाहती है लेकिन इसके बजाय उससे अपनी शाही प्रेमी में से एक से शादी करने की उम्मीद की जाती है। जफर महान जादूगर सुल्तान को खर फेंकने की योजना बनाता है और एक जादुई दीपक की तलाश करता है जिसे केवल कच्चा हीरा ही प्राप्त कर सकता है। जैस्मिन से मिलने के लिए शाही महल में घुसते समय अलादीन और आबू को जफर द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो चमत्कारों की गुफा से दीपक प्राप्त करने के बदले में जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए अलादीन को इतना अमीर बनाने की पेशकश करता है। वहां पहुंचकर अलादीन एक जादुई कालीन को मुक्त करता है और उसे दीपक मिलता है। अलादीन जफर को दीपक देता है जो उसे 2 बार क्रश करता है और उसे और अबू को गुफा में ले जाता है लेकिन अबू दीपक वापस चुरा लेता है। गुफा में फंसा अलादीन दीपक को रगड़ता है और अनजाने में सर्वशक्तिमान जिन को अंदर बुला लेता है जिसके पास अलादीन की 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। अलादीन बिना किसी इच्छा के तकनीकी आधार पर उन्हें गुफा से बाहर निकल लेता है। जैस्मिन को लुभाने के लिए दृढ़ संकल्पित वो अपनी आधिकारिक पहली इच्छा का उपयोग राजकुमार बनने के लिए करता है और अपनी 3री इच्छा का उपयोग जिन को दास्ता से मुक्त करने और उसे मानव बनने के लिए करने का वादा करता है। अलादीन अबावा के राजकुमार अली के रूप में अग्रवा में एक असाधारण आगमन करता है लेकिन जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करता है। अलादीन के मानव परिचारक के रूप में प्रस्तुत करते हुए जिन जैस्मिन की दासी दालिया के साथ पारस्परिक रूप से मारा जाता है। अलादीन और जैस्मिन के बीच दोस्ती हो जाती है जब वो उसे जादुई कालीन पर घुमाने ले जाता है। अपनी असली पहचान उजागर करने के लिए धोखे में जाकर उसने उससे झूठ बोला और कहा कि वो वास्तव में एक राजकुमार है और अग्रवा का पता लगाने के लिए एक किसान की तरह कपड़े पहने हैं। जफर को अलादीन की पहचान का पता चलता है और वो उसे महल की खाई में फेंक देता है ये जानते हुए कि अगर वो बच गया तो ये साबित हो जाएगा कि उसके पास दीपक है। जिन अलादीन को बचाता है जिससे उसकी 2री इच्छा खत्म हो जाता है। एक बार बचाए जाने के बाद अलादीन महल में लौटता है और जफर को जादुई कोबरा कर्मचारियों को नष्ट कर देता है जिससे सुल्तान पर उसका जादू खत्म हो जाता है और उसकी साजिश का खुलासा हो जाता है। इसके बाद जफर को गिरफ्तार कर कलकोर
कोठरी में कैद कर दिया गया। सुल्तान अलादीन को जैस्मिन से शादी करने की अनुमति देता है अलादीन, जिनको मुक्त करने के अपने वादे को मुकर जाता है। उसे लगता है कि वो उसके बिना अपना काम जारी रख पाने में असमर्थ है। इस बात से निराश होकर अलादीन झूठ बोलना जारी रखना चाहता था। जिन अपने दीपक के पास चला जाता है। अपने तोते के साथ ही यावो से मुक्त होकर जफर ने लैंप चुरा लिया और जिन का नया मालिक बन गया। वो अपनी पहली इच्छा का उपयोग सुल्तान बनने के लिए करता है और अपनी दूसरी इच्छा का उपयोग दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए करता है। इसके बाद जफर अलादीन को बेनकाब कर देता है। उसे और अब्बू को एक जमी हुई बंजर भूमि में निर्वासित कर देता है और सुल्तान और आलिया को मारने की धमकी देता है, जब तक कि जैस्मिन उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं हो जाती। शादी में जैस्मिन दीपक को जफर से बचाती है और अलादीन और अबू के साथ भागने के लिए जादुई कालीन पर कूद जाती है, जिन्हें जादुई कालीन द्वारा जमे हुए बंजर भूमि से बचाया गया था। जब जीन ने उसे जफर की पीठ के पीछे भेज दिया था, जफर अलादीन और जैस्मिन को फिर से पकड़ने और जादुई कालीन को नष्ट करने के लिए एक रेत ट्विस्टर का उपयोग करता है। अलादीन ने जफर को जिन के बाद दूसरे स्थान पर होने के लिए ताना मारा और उसे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करने के लिए उकसाया। जफर एक जिन में बदल जाता है और अपने ही दीपक के अंदर फंस जाता है। इयागो को अपने साथ खींच लेता है और जिन उन्हें चमत्कारों की गुफा में भेज देता है। अब जादुई कालीन को बचाता है और जिन उसे ठीक करता है। अलादीन अपना वादा निभाता है और अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग जिन को मुक्त करने के लिए करता है, जिससे उसे एक इंसान के रूप में जीने की अनुमति मिलती है। सुल्तान ने जैस्मिन को नई सुल्ताना शासक का ताज पहनाया। अब वो किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए बाध्य नहीं है, वो खुद ही वहाँ का शासक बन जाती है और वो और अलादीन शादी कर लेते हैं। जिन दालिया से शादी करता है और ये एक परिवार शुरू करते हैं और एक साथ दुनिया का पता लगाते हैं। जिन नाभिक बन जाता है, जो फिल्म की शुरुआत में अपने बच्चों को अलादीन के बारे में कहानी सुना रहा है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। अलादीन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, आ जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। कुख्यात स्ट्रीट रैट अलादीन जिस राज्य में रहता है वहाँ की राजकुमारी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन उसके महल में पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसे जीतना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर वहाँ राजा का एक स्थानीय चोर अलादीन वहाँ की राजकुमारी जैस्मिन से प्यार करने लगता है और उसे मनाने का फैसला करता है, लेकिन दुष्ट ग्रैंड वजीर जाफर और सुल्तान के मुख्य सलाहकार ने ये शर्त रखी अलादीन को उसके लिए जादुई चिराग और उसका जिन लाना होगा जो तीन इच्छाएं पूरी करता है। अलादीन और जिन की कहानी सभी को पता है और इसी नाम से डिज्नी के एनिमेटेड क्लासिक का ये लाइव एक्शन रूपांतरण, जिसने मूल रूप से इस पौराणिक कथा को अमर कर दिया है। इस घटना का अपवाद नहीं है। मैना मसूद और नाओमी स्कॉट की नई जोड़ी काम करती है और ये एक स्वागत योग्य आश्चर्य है, क्योंकि दोनों ने स्क्रीन पर एक अद्भुत केमिस्ट्री सजा की है और अपने संबंधित पात्रों के पसंदीदा कारकों को अंत तक बनाए रखा है। बिल स्मिथ जिन जहां तक हमारी हंसी उड़ाने की बात है एक सीधे साधे स्वभाव के है, लेकिन फिर से उनकी तुलना मूल फिल्म में रॉबिन विलियम्स के 1992 के अभिनय से कराना अपराध होगा, क्योंकि दिवंगत अभिनेता हास्य अभिनेता द्वारा निर्धारित मानक बहुत ही ऊंचे है। जाफर प्रतिशोधी खलनायक फिल्म में इतना बुरा है कि वो वास्तव में अच्छा है और निर्देशक गाय रिची को इस लालच से भरे चरित्र को विकृत मानसिकता को पूरी तरीके से तलाशने और प्रकाश में लाने के लिए ब्राउनी पॉइंट्स जो अनंत आपको आश्चर्यचकित करता है। कौन पापी है और किसके खिलाफ पाप किया गया है। हालांकि पूरे निर्देशन की प्रक्रिया का नकारात्मक पक्ष यह है कि ये कुछ हद तक मिश्रित है और कुछ गीत नृत्य दृश्य देखने और महसूस करने में मजबूर है और उन्हें टाला जा सकता था। अपनी भव्यता और शानदार सिनेमाटोग्राफी एनिमेशन के बावजूद 2 घंटे और 8 मिनट में फिल्म थोड़ी सी सुस्त लगने लगती है।
जिस गति से फिल्म आगे बढ़ती है वो एक और समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सभी किरदारों को बढ़ने और विकसित होने के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है, जबकि अंत को बहुत जल्दी में खत्म कर दिया जाता है। 90 के दशक में पैदा हुए बच्चे जिन्होंने इस कहानी का कार्टून संस्करण देखा है, उन्हें शुरुआत में अलादीन से परिचित होना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसके अलावा फिल्म अपनी छोटी मोटी कामियों के बिना अनुकूल है और पहले फ्रेम से ही फिल गुड फैक्टर स्थापित करती है और पर्दे में खुलने तक इसे बनाए रखती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हॉलीवुड फिल्म अलादीन देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखी से फ्री में। अरब के शहर अगड़ावा में एक अनाथ सड़क पर रहने वाला अलादीन और उसका बंदर आबू राजकुमारी जैस्मिन से मिलते हैं, जो महल में अपने आश्रय जीवन से छिपकर भाग गई है। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में सुल्तान बनना चाहती है, लेकिन इसके बजाय उससे अपनी शाही प्रेमी में से एक से शादी करने की उम्मीद की जाती है। जफर महान जादूगर सुल्तान को खर फेंकने की योजना बनाता है और एक जादुई दीपक की तलाश करता है जिसे केवल कच्चा हीरा ही प्राप्त कर सकता है। जैस्मिन से मिलने के लिए शाही महल में घुसते समय अलादीन और आबू को जफर द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो चमत्कारों की गुफा से दीपक प्राप्त करने के बदले में जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए अलादीन को इतना अमीर बनाने की पेशकश करता है। वहां पहुंचकर अलादीन एक जादुई कालीन को मुक्त करता है और उसे दीपक मिलता है। अलादीन जफर को दीपक देता है जो उसे दो बार क्रश करता है और उसे और अबू को गुफा में ले जाता है, लेकिन अबू दीपक वापस चुरा लेता है। गुफा में फंसा अलादीन दीपक को रगड़ता है और अनजाने में सर्वशक्तिमान जिन को अंदर बुला लेता है, जिसके पास अलादीन की 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। अलादीन बिना किसी इच्छा के तकनीकी आधार पर उन्हें गुफा से बाहर निकल लेता है। जैस्मिन को लुभाने के लिए दृढ़ संकल्पित वो अपनी आधिकारिक पहली इच्छा का उपयोग राजकुमार बनने के लिए करता है और अपनी तीसरी इच्छा का उपयोग जीन को दास्ता से मुक्त करने और उसे मानव बनने के लिए करने का वादा करता है। अलादीन अबावा के राजकुमार अली के रूप में अग्रवा में एक असाधारण आगमन करता है, लेकिन जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करता है। अलादीन के मानव परिचारक के रूप में प्रस्तुत करते हुए जिन जैस्मिन की दासी दालिया के साथ पारस्परिक रूप से मारा जाता है। अलादीन और जैस्मिन के बीच दोस्ती हो जाती है जब वो उसे जादुई कालीन पर घुमाने ले जाता है। अपनी असली पहचान उजागर करने के लिए धोखे में जाकर उसने उससे झूठ बोला और कहा कि वो वास्तव में एक राजकुमार है और अग्रवा का पता लगाने के लिए एक किसान की तरह कपड़े पहने हैं। जफर को अलादीन की पहचान का पता चलता है और वो उसे महल की खाई में फेंक देता है, ये जानते हुए कि अगर वो बच गया तो ये साबित हो जाएगा कि उसके पास दीपक है। जीन अलादीन को बचाता है जिससे उसकी दूसरी इच्छा खत्म हो जाता है। एक बार बचाए जाने के बाद अलादीन महल में लौटता है और जफर को जादुई कोबरा कर्मचारियों को नष्ट कर देता है, जिससे सुल्तान पर उसका जादू खत्म हो जाता है और उसकी साजिश का खुलासा हो जाता है। इसके बाद जफर को गिरफ्तार कर कलकोठरी में कैद कर दिया गया। सुल्तान अलादीन को जैस्मिन से शादी करने की अनुमति देता है। अलादीन जिन को मुक्त करने की अपने वादे को मुकर जाता है। उसे लगता है कि वो उसके बिना अपना काम जारी रख पाने में असमर्थ है। इस बात से निराश होकर अलादीन झूठ बोलना जारी रखना चाहता था। जिन अपने दीपक के पास चला जाता है। अपने तोते के साथ ही यागो से मुक्त होकर जफर ने लैंप चुरा लिया और जिन का नया मालिक बन गया। वो अपनी पहली इच्छा का उपयोग सुल्तान बनने के लिए करता है और अपनी दूसरी इच्छा का उपयोग दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए करता है। इसके बाद जफर अलादीन को बेनकाब कर देता है। उसे और अब्बू को एक जमी हुई बंजर भूमि में निर्वासित कर देता है और सुल्तान और आलिया को मारने की धमकी देता है, जब तक कि जैस्मिन उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं हो जाती। शादी में जैस्मिन दीपक को जफर से बचाती है और अलादीन और अबू के साथ भागने के लिए जादुई कालीन पर कूद जाती है, जिन्हें जादुई कालीन द्वारा जमे हुए बंजर भूमि से बचाया गया था। जब जीन ने उसे जफर की पीठ के पीछे भेज दिया था, जफर अलादीन और जैस्मिन को फिर से
पकड़ने और जादुई कालीन को नष्ट करने के लिए एक रेत ट्विस्टर का उपयोग करता है। अलादीन ने जफर को जिन के बाद दूसरे स्थान पर होने के लिए ताना मारा और उसे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करने के लिए उकसाया। जफर एक जिन में बदल जाता है और अपने ही दीपक के अंदर फंस जाता है। इयागो को अपने साथ खींच लेता है और जिन उन्हें चमत्कारों की गुफा में भेज देता है। अब जादुई कालीन को बचाता है और जिन उसे ठीक करता है। अलादीन अपना वादा निभाता है और अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग जिन को मुक्त करने के लिए करता है, जिससे उसे एक इंसान के रूप में जीने की अनुमति मिलती है। सुल्तान ने जैस्मिन को नई सुल्ताना शासक का ताज पहनाया। अब वो किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए बाध्य नहीं है, वो खुद ही वहाँ का शासक बन जाती है और वो और अलादीन शादी कर लेते हैं। जिन नालिया से शादी करता है और ये एक परिवार शुरू करते हैं और एक साथ दुनिया का पता लगाते हैं। जिन नाभिक बन जाता है जो फिल्म की शुरुआत में अपने बच्चों को अलादीन के बारे में कहानी सुना रहा है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। अलादीन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने के OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस फिल्म को। कुख्यात स्ट्रीट रैट अलादीन जिस राज्य में रहता है वहाँ की राजकुमारी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन उसके महल में पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसे जीतना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर वहाँ राजा का एक स्थानीय चोर अलादीन वहाँ की राजकुमारी जैस्मिन से प्यार करने लगता है और उसे मनाने का फैसला करता है, लेकिन दुष्ट ग्रैंड वजीर जाफर और सुल्तान के मुख्य सलाहकार ने ये शर्त रखी अलादीन को उसके लिए जादुई चिराग और उसका जिन लाना होगा जो तीन इच्छाएं पूरी करता है। अलादीन और जिन की कहानी सभी को पता है और इसी नाम से डिज्नी के एनिमेटेड क्लासिक का ये लाइव एक्शन रूपांतरण, जिसने मूल रूप से इस पौराणिक कथा को अमर कर दिया है। इस घटना का अपवाद नहीं है। मैना मसूद और नाओमी स्कॉट की नई जोड़ी काम करती है और ये एक स्वागत योग्य आश्चर्य है, क्योंकि दोनों ने स्क्रीन पर एक अद्भुत केमिस्ट्री सजा की है और अपने संबंधित पात्रों के पसंदीदा कारकों को अंत तक बनाए रखा है। विल स्मिथ जिन जहां तक हमारी हंसी उड़ाने की बात है एक सीधे साधे स्वभाव के है, लेकिन फिर से उनकी तुलना मूल फिल्म में रॉबिन विलियम्स के 1992 के अभिनय से कराना अपराध होगा, क्योंकि दिवंगत अभिनेता हास्य अभिनेता द्वारा निर्धारित मानक बहुत ही ऊंचे है। जाफर प्रतिशोधी खलनायक फिल्म में इतना बुरा है कि वो वास्तव में अच्छा है और निर्देशक गाय रिची को इस लालच से भरे चरित्र को विकृत मानसिकता को पूरी तरीके से तलाशने और प्रकाश में लाने के लिए ब्राउनी पॉइंट्स जो अनंत आपको आश्चर्यचकित करता है। कौन पापी है और किसके खिलाफ पाप किया गया है। हालांकि पूरे निर्देशन की प्रक्रिया का नकारात्मक पक्ष यह है कि ये कुछ हद तक मिश्रित है और कुछ गीत नृत्य दृश्य देखने और महसूस करने में मजबूर है और उन्हें टाला जा सकता था। अपनी भव्यता और शानदार सिनेमाटोग्राफी एनिमेशन के बावजूद 2 घंटे और 8 मिनट में फिल्म थोड़ी सी सुस्त लगने लगती है। जिस गति से फिल्म आगे बढ़ती है वो एक और समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सभी किरदारों को बढ़ने और विकसित होने के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है, जबकि अंत को बहुत जल्दी में खत्म कर दिया जाता है। 90 के दशक में पैदा हुए बच्चे जिन्होंने इस कहानी का कार्टून संस्करण देखा है उन्हें शुरुआत में अलादीन से परिचित होना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसके अलावा फिल्म अपनी चोरी मोरी कामियों के बिना अनुकूल है और पहले फ्रेम से ही फिल गुड फैक्टर स्थापित करती है और पर्दे में खुलने तक इसे बनाए रखती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हॉलीवुड फिल्म अलादीन देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे से फ्री में। अरब के शहर अग्रावा में एक अनाथ सड़क पर रहने वाला अलादीन और उसका बंदर आबू राजकुमारी जैस्मिन से मिलते हैं, जो महल में अपने आश्रय जीवन से छिपकर भाग गई है। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में सुल्तान बनना चाहती है, लेकिन इसके बजाय उससे अपने शाही प्रेमी में से एक से शादी करने की उम्मीद की जाती है।
जफर महान जादूगर सुल्तान को खड़ फेंकने की योजना बनाता है और एक जादुई दीपक की तलाश करता है जिसे केवल कच्चा हीरा ही प्राप्त कर सकता है। जैस्मिन से मिलने के लिए शाही महल में घुसते समय अलादीन और आबू को जफर द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो चमत्कारों की गुफा से दीपक प्राप्त करने के बदले में जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए अलादीन को इतना अमीर बनाने की पेशकश करता है। वहां पहुंचकर अलादीन एक जादुई कालीन को मुक्त करता है और उसे दीपक मिलता है। अलादीन जफर को दीपक देता है जो उसे दो बार क्रश करता है और उसे और अबू को गुफा में ले जाता है, लेकिन अबू दीपक वापस चुरा लेता है। गुफा में फंसा अलादीन दीपक को रगड़ता है और अनजाने में सर्वशक्तिमान जिन को अंदर बुला लेता है, जिसके पास अलादीन की तीन इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। अलादीन बिना किसी इच्छा के तकनीकी आधार पर उन्हें गुफा से बाहर निकल लेता है। जैस्मिन को लुभाने के लिए दृढ़ संकल्पित वो अपनी आधिकारिक पहली इच्छा का उपयोग राजकुमार बनने के लिए करता है और अपनी तीसरी इच्छा का उपयोग जिन को दास्ता से मुक्त करने और उसे मानव बनने के लिए करने का वादा करता है। अलादीन अब्बावा के राजकुमार अली के रूप में अग्रवा में एक असाधारण आगमन करता है, लेकिन जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करता है। अलादीन के मानव परिचारक के रूप में प्रस्तुत करते हुए जिन जैस्मिन की दासी दालिया के साथ पारस्परिक रूप से मारा जाता है। अलादीन और जैस्मिन के बीच दोस्ती हो जाती है जब वो उसे जादुई कालीन पर घुमाने ले जाता है। अपनी असली पहचान उजागर करने के लिए धोखे में जाकर उसने उससे झूठ बोला और कहा कि वो वास्तव में एक राजकुमार है और अग्रवा का पता लगाने के लिए एक किसान की तरह कपड़े पहने हैं। जफर को अलादीन की पहचान का पता चलता है और वो उसे महल की खाई में फेंक देता है, ये जानते हुए कि अगर वो बच गया तो ये साबित हो जाएगा कि उसके पास दीपक है। जिन अलादीन को बचाता है जिससे उसकी दूसरी इच्छा खत्म हो जाता है। एक बार बचाए जाने के बाद अलादीन महल में लौटता है और जफर को जादुई कोबरा कर्मचारियों को नष्ट कर देता है, जिससे सुल्तान पर उसका जादू खत्म हो जाता है और उसकी साजिश का खुलासा हो जाता है। इसके बाद जफर को गिरफ्तार कर कलकोठरी में कैद कर दिया गया। सुल्तान अलादीन को जैस्मिन से शादी करने की अनुमति देता है। अलादीन जिन को मुक्त करने की अपने वादे को मुकर जाता है। उसे लगता है कि वो उसके बिना अपना काम जारी रख पाने में असमर्थ है। इस बात से निराश होकर अलादीन झूठ बोलना जारी रखना चाहता था। जिन अपने दीपक के पास चला जाता है। अपने तोते के साथ ही यावो से मुक्त होकर जफर ने लैंप चुरा लिया और जिन का नया मालिक बन गया। वो अपनी पहली इच्छा का उपयोग सुल्तान बनने के लिए करता है और अपनी दूसरी इच्छा का उपयोग दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए करता है। इसके बाद जफर अलादीन को बेनकाब कर देता है। उसे और अब्बू को एक जमी हुई बंजर भूमि में निर्वासित कर देता है और सुल्तान और डालिया को मारने की धमकी देता है जब तक कि जैस्मिन उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं हो जाती। शादी में जैस्मिन दीपक को जफर से बचाती है और अलादीन और अबू के साथ भागने के लिए जादुई कालीन पर कूद जाती है, जिन्हें जादुई कालीन द्वारा जमे हुए बंजर भूमि से बचाया गया था। जब जीन ने उसे जफर की पीठ के पीछे भेज दिया था, जफर अलादीन और जैस्मिन को फिर से पकड़ने और जादुई कालीन को नष्ट करने के लिए एक रेत ट्विस्टर का उपयोग करता है। अलादीन ने जफर को जीन के बाद दूसरे स्थान पर होने के लिए ताना मारा और उसे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करने के लिए उकसाया। जफर एक जीन में बदल जाता है और अपने ही दीपक के अंदर फंस जाता है। यागो को अपने साथ खींच लेता है और जीन उन्हें चमत्कारों की गुफा में भेज देता है। अब जादुई कालीन को बचाता है और जीन उसे ठीक करता है। अलादीन अपना वादा निभाता है और अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग जीन को मुक्त करने के लिए करता है, जिससे उसे एक इंसान के रूप में जीने की अनुमति मिलती है। सुल्तान ने जैस्मिन को नई सुल्ताना शासक का ताज पहनाया। अब वो किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए बाध्य नहीं है। वो खुद ही वहाँ का शासक बन जाती है और वो और अलादीन शादी कर लेते हैं। जिन डालिया से शादी करता है और ये एक परिवार शुरू करते हैं और एक साथ दुनिया का पता लगाते हैं। जिन नाभिक बन जाता है जो फिल्म की शुरुआत में अपने बच्चों को अलादीन के बारे में कहानी सुना रहा है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Disney+ और स्टार पर
रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है। अलादीन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने के OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। कुख्यात स्ट्रीट रैट अलादीन जिस राज्य में रहता है वहाँ की राजकुमारी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन उसके महल में पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसे जीतना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर वहाँ राजा का एक स्थानीय चोर अलादीन वहाँ की राजकुमारी जैस्मिन से प्यार करने लगता है और उसे मनाने का फैसला करता है, लेकिन दुष्ट ग्रैंड वजीर जाफर और सुल्तान के मुख्य सलाहकार ने ये शर्त रखी अलादीन को उसके लिए जादुई चिराग और उसका जिन लाना होगा जो तीन इच्छाएं पूरी करता है। अलादीन और जिन की कहानी सभी को पता है और इसी नाम से डिज्नी के एनिमेटेड क्लासिक का ये लाइव एक्शन रूपांतरण जिसने मूल रूप से इस पौराणिक कथा को अमर कर दिया है। इस घटना का अपवाद नहीं है। मैना मसूद और नाओमी स्कॉट की नई जोड़ी काम करती है और ये एक स्वागत योग्य आश्चर्य है क्योंकि दोनों ने स्क्रीन पर एक अद्भुत केमिस्ट्री सजा की है और अपने संबंधित पात्रों के पसंदीदा कारकों को अंत तक बनाए रखा है। विल स्मिथ जिन जहां तक हमारी हंसी उड़ाने की बात है एक सीधे साधे स्वभाव के है, लेकिन फिर से उनकी तुलना मूल फिल्म में रॉबिन विलियम्स के 1992 के अभिनय से कराना अपराध होगा क्योंकि दिवंगत अभिनेता हास्य अभिनेता द्वारा निर्धारित मानक बहुत ही ऊंचे है। जाफर प्रतिशोधी खलनायक फिल्म में इतना बुरा है कि वो वास्तव में अच्छा है और निर्देशक गाय रिची को इस लालच से भरे चरित्र को विकृत मानसिकता को पूरी तरीके से तलाशने और प्रकाश में लाने के लिए ब्राउनी पॉइंट्स जो अनंत आपको आश्चर्यचकित करता है। कौन पापी है और किसके खिलाफ पाप किया गया है। हालांकि पूरे निर्देशन की प्रक्रिया का नकारात्मक पक्ष यह है कि ये कुछ हद तक मिश्रित है और कुछ गीत नृत्य दृश्य देखने और महसूस करने में मजबूर है और उन्हें टाला जा सकता था। अपनी भव्यता और शानदार सिनेमाटोग्राफी एनिमेशन के बावजूद 2 घंटे और 8 मिनट में फिल्म थोड़ी सी सुस्त लगने लगती है। जिस गति से फिल्म आगे बढ़ती है वो एक और समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सभी किरदारों को बढ़ने और विकसित होने के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है, जबकि अंत को बहुत जल्दी में खत्म कर दिया जाता है। 90 के दशक में पैदा हुए बच्चे जिन्होंने इस कहानी का कार्टून संस्करण देखा है उन्हें शुरुआत में अलादीन से परिचित होना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसके अलावा फिल्म अपनी चोरी मोरी कामियों के बिना अनुकूल है और पहले फ्रेम से ही फिल गुड फैक्टर स्थापित करती है और पर्दे में खुलने तक इसे बनाए रखती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हॉलीवुड फिल्म अलादीन देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में। अरब के शहर अगड़ावा में एक अनाथ सड़क पर रहने वाला अलादीन और उसका बंदर आबू राजकुमारी जैस्मिन से मिलते हैं जो महल में अपने आश्रय जीवन से छिपकर भाग गई है। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में सुल्तान बनना चाहती है, लेकिन इसके बजाय उससे अपनी शाही प्रेमी में से एक से शादी करने की उम्मीद की जाती है। जफर महान जादूगर सुल्तान को खर फेंकने की योजना बनाता है और एक जादुई दीपक की तलाश करता है जिसे केवल कच्चा हीरा ही प्राप्त कर सकता है। जैस्मिन से मिलने के लिए शाही महल में घुसते समय अलादीन और आबू को जफर द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो चमत्कारों की गुफा से दीपक प्राप्त करने के बदले में जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए अलादीन को इतना अमीर बनाने की पेशकश करता है। वहां पहुंचकर अलादीन एक जादुई कालीन को मुक्त करता है और उसे दीपक मिलता है। अलादीन जफर को दीपक देता है जो उसे 2 बार क्रश करता है और उसे और अबू को गुफा में ले जाता है, लेकिन अबू दीपक वापस चुरा लेता है। गुफा में फंसा अलादीन दीपक को रगड़ता है और अनजाने में सर्वशक्तिमान जिन को अंदर बुला लेता है जिसके पास अलादीन की 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। अलादीन बिना किसी इच्छा के तकनीकी आधार पर उन्हें गुफा से बाहर निकल लेता है। जैस्मिन को लुभाने के लिए दृढ़ संकल्पित वो अपनी आधिकारिक पहली इच्छा का उपयोग राजकुमार बनने के लिए करता है और अपनी 3री इच्छा का उपयोग जिन को दास्ता से मुक्त करने और उसे मानव बनने के लिए करने का वादा करता है। अलादीन अब्बावा के राजकुमार अली के रूप में
अग्रवाह में एक असाधारण आगमन करता है, लेकिन जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करता है। अलादीन के मानव परिचारक के रूप में प्रस्तुत करते हुए जिन जैस्मिन की दासी दालिया के साथ पारस्परिक रूप से मारा जाता है, अलादीन और जैस्मिन के बीच दोस्ती हो जाती है। जब वो उसे जादुई कालीन पर घुमाने ले जाता है अपनी असली पहचान उजागर करने के लिए, धोखे में जाकर उसने उससे झूठ बोला और कहा कि वो वास्तव में एक राजकुमार है और अग्रवाह का पता लगाने के लिए एक किसान की तरह कपड़े पहने हैं। जफर को अलादीन की पहचान का पता चलता है और वो उसे महल की खाई में फेंक देता है, ये जानते हुए कि अगर वो बच गया तो ये साबित हो जाएगा कि उसके पास दीपक है। जीन अलादीन को बचाता है जिससे उसकी दूसरी इच्छा खत्म हो जाता है। एक बार बचाए जाने के बाद अलादीन महल में लौटता है और जफर को जादुई कोबरा कर्मचारियों को नष्ट कर देता है, जिससे सुल्तान पर उसका जादू खत्म हो जाता है और उसकी साजिश का खुलासा हो जाता है। इसके बाद जफर को गिरफ्तार कर कलकोठरी में कैद कर दिया गया। सुल्तान अलादीन को जैस्मिन से शादी करने की अनुमति देता है। अलादीन जिनको मुक्त करने की अपने वादे को मुकर जाता है। उसे लगता है कि वो उसके बिना अपना काम जारी रख पाने में असमर्थ है। इस बात से निराश होकर अलादीन झूठ बोलना जारी रखना चाहता था। जिन अपने दीपक के पास चला जाता है अपने तोते के साथ ही। यावो से मुक्त होकर जफर ने लैंप चुरा लिया और जिन का नया मालिक बन गया। वो अपनी पहली इच्छा का उपयोग सुल्तान बनने के लिए करता है और अपनी दूसरी इच्छा का उपयोग दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए करता है। इसके बाद जफर अलादीन को बेनकाब कर देता है। उसे और अब्बू को एक जमी हुई बंजर भूमि में निर्वासित कर देता है और सुल्तान और डालिया को मारने की धमकी देता है जब तक कि जैस्मिन उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं हो जाती। शादी में जैस्मिन दीपक को जफर से बचाती है और अलादीन और अबू के साथ भागने के लिए जादुई कालीन पर कूद जाती है, जिन्हें जादुई कालीन द्वारा जमे हुए बंजर भूमि से बचाया गया था। जब जीन ने उसे जफर की पीठ के पीछे भेज दिया था, जफर अलादीन और जैस्मिन को फिर से पकड़ने और जादुई कालीन को नष्ट करने के लिए एक रेत ट्विस्टर का उपयोग करता है। अलादीन ने जफर को जीन के बाद दूसरे स्थान पर होने के लिए ताना मारा और उसे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करने के लिए उकसाया। जफर एक जीन में बदल जाता है और अपने ही दीपक के अंदर फंस जाता है। इयागो को अपने साथ खींच लेता है और जीन उन्हें चमत्कारों की गुफा में भेज देता है। अब जादुई कालीन को बचाता है और जीन उसे ठीक करता है। अलादीन अपना वादा निभाता है और अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग जीन को मुक्त करने के लिए करता है, जिससे उसे एक इंसान के रूप में जीने की अनुमति मिलती है। सुल्तान ने जैस्मिन को नई सुल्ताना शासक कर ताज पहनाया। अब वो किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए बाध्य नहीं है, वो खुद ही वहाँ का शासक बन जाती है और वो और अलादीन शादी कर लेते हैं। जिन दालिया से शादी करता है और ये एक परिवार शुरू करते हैं और एक साथ दुनिया का पता लगाते हैं। जिन नाभिक बन जाता है जो फिल्म की शुरुआत में अपने बच्चों को अलादीन के बारे में कहानी सुना रहा है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। अलादीन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस फिल्म को। कुख्यात स्ट्रीट रैट अलादीन जिस राज्य में रहता है वहाँ की राजकुमारी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन उसके महल में पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसे जीतना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर वहाँ राजा का एक स्थानीय चोर अलादीन वहाँ की राजकुमारी जैस्मिन से प्यार करने लगता है और उसे मनाने का फैसला करता है, लेकिन दुष्ट ग्रैंड वजीर जाफर और सुल्तान के मुख्य सलाहकार ने ये शर्त रखी अलादीन को उसके लिए जादुई चिराग और उसका जिन लाना होगा जो तीन इच्छाएं पूरी करता है। अलादीन और जिन की कहानी सभी को पता है और इसी नाम से डिज्नी की एनिमेटेड क्लासिक का ये लाइव एक्शन रूपांतरण, जिसने मूल रूप से इस पौराणिक कथा को अमर कर दिया है। इस घटना का अपवाद नहीं है। मैं ना
मसूद और नाओमी स्कॉट की नई जोड़ी काम करती है और ये एक स्वागत योग्य आश्चर्य है क्योंकि दोनों ने स्क्रीन पर एक अद्भुत केमिस्ट्री सजा की है और अपने संबंधित पात्रों के पसंदीदा कारकों को अंत तक बनाए रखा है। विल स्मिथ जिन जहां तक हमारी हंसी उड़ाने की बात है एक सीधे साधे स्वभाव के है, लेकिन फिर से उनकी तुलना मूल फिल्म में रॉबिन विलियम्स के 1992 के अभिनय से कराना अपराध होगा क्योंकि दिवंगत अभिनेता हास्य अभिनेता द्वारा निर्धारित मानक बहुत ही ऊंचे है। जाफर प्रतिशोधी खलनायक फिल्म में इतना बुरा है कि वो वास्तव में अच्छा है और निर्देशक गाय रिची को इस लालच से भरे चरित्र को विकृत मानसिकता को पूरी तरीके से तलाशने और प्रकाश में लाने के लिए ब्राउनी पॉइंट्स जो अनंत आपको आश्चर्यचकित करता है। कौन पापी है और किसके खिलाफ पाप किया गया है। हालांकि पूरे निर्देशन की प्रक्रिया का नकारात्मक पक्ष यह है कि ये कुछ हद तक मिश्रित है और कुछ गीत नृत्य दृश्य देखने और महसूस करने में मजबूर है और उन्हें टाला जा सकता था। अपनी भव्यता और शानदार सिनेमाटोग्राफी एनिमेशन के बावजूद 2 घंटे और 8 मिनट में फिल्म थोड़ी सी सुस्त लगने लगती है। जिस गति से फिल्म आगे बढ़ती है वो एक और समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सभी किरदारों को बढ़ने और विकसित होने के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है जबकि अंत को बहुत जल्दी में खत्म कर दिया जाता है। 90 के दशक में पैदा हुए बच्चे जिन्होंने इस कहानी का कार्टून संस्करण देखा है उन्हें शुरुआत में अलादीन से परिचित होना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसके अलावा फिल्म अपनी छोटी मोटी कामियों के बिना अनुकूल है और पहले फ्रेम से ही फिल्म गुड फैक्टर स्थापित करती है और पर्दे में खुलने तक इसे बनाए रखती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हॉलीवुड फिल्म अलादीन देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहां देखी से फ्री में। अरब के शहर अगड़ावा में एक अनाथ सड़क पर रहने वाला अलादीन और उसका बंदर आबू राजकुमारी जैस्मिन से मिलते हैं जो महल में अपने आश्रय जीवन से छिपकर भाग गई है। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में सुल्तान बनना चाहती है, लेकिन इसके बजाय उससे अपनी शाही प्रेमी में से एक से शादी करने की उम्मीद की जाती है। जफर महान जादूगर सुल्तान को खर फेंकने की योजना बनाता है और एक जादुई दीपक की तलाश करता है जिसे केवल कच्चा हीरा ही प्राप्त कर सकता है। जैस्मिन से मिलने के लिए शाही महल में घुसते समय अलादीन और आबू को जफर द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो चमत्कारों की गुफा से दीपक प्राप्त करने के बदले में जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए अलादीन को इतना अमीर बनाने की पेशकश करता है। वहां पहुंचकर अलादीन एक जादुई कालीन को मुक्त करता है और उसे दीपक मिलता है। अलादीन जफर को दीपक देता है जो उसे 2 बार क्रश करता है और उसे और अबू को गुफा में ले जाता है, लेकिन अबू दीपक वापस चुरा लेता है। गुफा में फंसा अलादीन दीपक को रगड़ता है और अनजाने में सर्वशक्तिमान जिन को अंदर बुला लेता है जिसके पास अलादीन की 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। अलादीन बिना किसी इच्छा के तकनीकी आधार पर उन्हें गुफा से बाहर निकल लेता है। जैस्मिन को लुभाने के लिए दृढ़ संकल्पित वो अपनी आधिकारिक पहली इच्छा का उपयोग राजकुमार बनने के लिए करता है और अपनी 3री इच्छा का उपयोग जिन को दास्ता से मुक्त करने और उसे मानव बनने के लिए करने का वादा करता है। अलादीन अबावा के राजकुमार अली के रूप में अग्रवा में एक असाधारण आगमन करता है, लेकिन जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करता है। अलादीन के मानव परिचारक के रूप में प्रस्तुत करते हुए जिन जैस्मिन की दासी दालिया के साथ पारस्परिक रूप से मारा जाता है। अलादीन और जैस्मिन के बीच दोस्ती हो जाती है जब वो उसे जादुई कालीन पर घुमाने ले जाता है। अपनी असली पहचान उजागर करने के लिए धोखे में जाकर उसने उससे झूठ बोला और कहा कि वो वास्तव में एक राजकुमार है और अग्रवा का पता लगाने के लिए एक किसान की तरह कपड़े पहने हैं। जफर को अलादीन की पहचान का पता चलता है और वो उसे महल की खाई में फेंक देता है, ये जानते हुए कि अगर वो बच गया तो ये साबित हो जाएगा कि उसके पास दीपक है। जिन अलादीन को बचाता है जिससे उसकी 2री इच्छा खत्म हो जाता है। एक बार बचाए जाने के बाद अलादीन महल में लौटता है और जफर को जादुई कोबरा कर्मचारियों को नष्ट कर देता है जिससे सुल्तान पर उसका जादू खत्म हो जाता है और उसकी साजिश का खुलासा हो जाता है। इसके बाद जफर को गिरफ्तार कर
कलकोठरी में कैद कर दिया गया। सुल्तान अलादीन को जैस्मिन से शादी करने की अनुमति देता है। अलादीन जिनको मुक्त करने के अपने वादे को मुकर जाता है, उसे लगता है कि वो उसके बिना अपना काम जारी रख पाने में असमर्थ है। इस बात से निराश होकर अलादीन झूठ बोलना जारी रखना चाहता था। जिन अपने दीपक के पास चला जाता है। अपने तोते के साथ ही यागो से मुक्त होकर जफर ने लैंप चुरा लिया और जिन का नया मालिक बन गया। वो अपनी पहली इच्छा का उपयोग सुल्तान बनने के लिए करता है और अपनी दूसरी इच्छा का उपयोग दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए करता है। इसके बाद जफर अलादीन को बेनकाब कर देता है। उसे और अब्बू को एक जमी हुई बंजर भूमि में निर्वासित कर देता है और सुल्तान और डालिया को मारने की धमकी देता है, जब तक कि जैस्मिन उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं हो जाती। शादी में जैस्मिन दीपक को जफर से बचाती है और अलादीन और अबू के साथ भागने के लिए जादुई कालीन पर कूद जाती है, जिन्हें जादुई कालीन द्वारा जमे हुए बंजर भूमि से बचाया गया था। जब जीन ने उसे जफर की पीठ के पीछे भेज दिया था, जफर अलादीन और जैस्मिन को फिर से पकड़ने और जादुई कालीन को नष्ट करने के लिए एक रेत ट्विस्टर का उपयोग करता है। अलादीन ने जफर को जीन के बाद दूसरे स्थान पर होने के लिए ताना मारा और उसे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करने के लिए उकसाया। जफर एक जीन में बदल जाता है और अपने ही दीपक के अंदर फंस जाता है। इयागो को अपने साथ खींच लेता है और जीन उन्हें चमत्कारों की गुफा में भेज देता है। अब जादुई कालीन को बचाता है और जीन उसे ठीक करता है। अलादीन अपना वादा निभाता है और अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग जीन को मुक्त करने के लिए करता है, जिससे उसे एक इंसान के रूप में जीने की अनुमति मिलती है। सुल्तान ने जैस्मिन को नई सुल्ताना शासक का ताज पहनाया। अब वो किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए बाध्य नहीं है, वो खुद ही वहाँ का शासक बन जाती है और वो और अलादीन शादी कर लेते हैं। जिन डालिया से शादी करता है और ये एक परिवार शुरू करते हैं और एक साथ दुनिया का पता लगाते हैं। जिन नाभिक बन जाता है, जो फिल्म की शुरुआत में अपने बच्चों को अलादीन के बारे में कहानी सुना रहा है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। अलादीन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने के OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस फिल्म को। कुख्यात स्ट्रीट रैट अलादीन जिस राज्य में रहता है वहाँ की राजकुमारी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन उसके महल में पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसे जीतना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर वहाँ राजा का एक स्थानीय चोर अलादीन वहाँ की राजकुमारी जैस्मिन से प्यार करने लगता है और उसे मनाने का फैसला करता है, लेकिन दुष्ट ग्रैंड वजीर जाफर और सुल्तान के मुख्य सलाहकार ने ये शर्त रखी अलादीन को उसके लिए जादुई चिराग और उसका जिन लाना होगा जो तीन इच्छाएं पूरी करता है। अलादीन और जिन की कहानी सभी को पता है और इसी नाम से डिज्नी के एनिमेटेड क्लासिक का ये लाइव एक्शन रूपांतरण, जिसने मूल रूप से इस पौराणिक कथा को अमर कर दिया है। इस घटना का अपवाद नहीं है। मैना मसूद और नाओमी स्कॉट की नई जोड़ी काम करती है और ये एक स्वागत योग्य आश्चर्य है, क्योंकि दोनों ने स्क्रीन पर एक अद्भुत केमिस्ट्री सजा की है और अपने संबंधित पात्रों के पसंदीदा कारकों को अंत तक बनाए रखा है। विल स्मिथ जिन जहां तक हमारी हंसी उड़ाने की बात है एक सीधे साधे स्वभाव के है, लेकिन फिर से उनकी तुलना मूल फिल्म में रॉबिन विलियम्स के 1992 के अभिनय से कराना अपराध होगा, क्योंकि दिवंगत अभिनेता हास्य अभिनेता द्वारा निर्धारित मानक बहुत ही ऊंचे है। जाफर प्रतिशोधी खलनायक फिल्म में इतना बुरा है कि वो वास्तव में अच्छा है और निर्देशक गाय रिची को इस लालच से भरे चरित्र को विकृत मानसिकता को पूरी तरीके से तलाशने और प्रकाश में लाने के लिए ब्राउनी पॉइंट्स जो अनंत आपको आश्चर्यचकित करता है। कौन पापी है और किसके खिलाफ पाप किया गया है। हालांकि पूरे निर्देशन की प्रक्रिया का नकारात्मक पक्ष यह है कि ये कुछ हद तक मिश्रित है और कुछ गीत नृत्य दृश्य देखने और महसूस करने में मजबूर है और उन्हें टाला जा सकता था। अपनी भव्यता और शानदार सिनेमाटोग्राफी एनिमेशन के बावजूद 2 घंटे और 8 मिनट में फिल्म थोड़ी सी सुस्त लगने लगती है।
जिस गति से फिल्म आगे बढ़ती है वो एक और समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सभी किरदारों को बढ़ने और विकसित होने के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है, जबकि अंत को बहुत जल्दी में खत्म कर दिया जाता है। 90 के दशक में पैदा हुए बच्चे जिन्होंने इस कहानी का कार्टून संस्करण देखा है, उन्हें शुरुआत में अलादीन से परिचित होना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसके अलावा फिल्म अपनी छोटी मोटी कामियों के बिना अनुकूल है और पहले फ्रेम से ही फिल गुड फैक्टर स्थापित करती है और पर्दे में खुलने तक इसे बनाए रखती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हॉलीवुड फिल्म अलादीन देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखी से फ्री में। अरब के शहर अगड़ावा में एक अनाथ सड़क पर रहने वाला अलादीन और उसका बंदर आबू राजकुमारी जैस्मिन से मिलते हैं, जो महल में अपने आश्रय जीवन से छिपकर भाग गई है। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में सुल्तान बनना चाहती है, लेकिन इसके बजाय उससे अपने शाही प्रेमी में से एक से शादी करने की उम्मीद की जाती है। जफर महान जादूगर सुल्तान को खर फेंकने की योजना बनाता है और एक जादुई दीपक की तलाश करता है जिसे केवल कच्चा हीरा ही प्राप्त कर सकता है। जैस्मिन से मिलने के लिए शाही महल में घुसते समय अलादीन और आबू को जफर द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो चमत्कारों की गुफा से दीपक प्राप्त करने के बदले में जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए अलादीन को इतना अमीर बनाने की पेशकश करता है। वहां पहुंचकर अलादीन एक जादुई कालीन को मुक्त करता है और उसे दीपक मिलता है। अलादीन जफर को दीपक देता है जो उसे दो बार क्रश करता है और उसे और अबू को गुफा में ले जाता है, लेकिन अबू दीपक वापस चुरा लेता है। गुफा में फंसा अलादीन दीपक को रगड़ता है और अनजाने में सर्वशक्तिमान जिन को अंदर बुला लेता है, जिसके पास अलादीन की 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। अलादीन बिना किसी इच्छा के तकनीकी आधार पर उन्हें गुफा से बाहर निकल लेता है। जैस्मिन को लुभाने के लिए दृढ़ संकल्पित वो अपनी आधिकारिक पहली इच्छा का उपयोग राजकुमार बनने के लिए करता है और अपनी तीसरी इच्छा का उपयोग जीन को दास्ता से मुक्त करने और उसे मानव बनने के लिए करने का वादा करता है। अलादीन अबावा के राजकुमार अली के रूप में अग्रवा में एक असाधारण आगमन करता है, लेकिन जैस्मिन को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करता है। अलादीन के मानव परिचारक के रूप में प्रस्तुत करते हुए जिन जैस्मिन की दासी दालिया के साथ पारस्परिक रूप से मारा जाता है। अलादीन और जैस्मिन के बीच दोस्ती हो जाती है जब वो उसे जादुई कालीन पर घुमाने ले जाता है। अपनी असली पहचान उजागर करने के लिए धोखे में जाकर उसने उससे झूठ बोला और कहा कि वो वास्तव में एक राजकुमार है और अग्रवा का पता लगाने के लिए एक किसान की तरह कपड़े पहने हैं। जफर को अलादीन की पहचान का पता चलता है और वो उसे महल की खाई में फेंक देता है, ये जानते हुए कि अगर वो बच गया तो ये साबित हो जाएगा कि उसके पास दीपक है। जीन अलादीन को बचाता है जिससे उसकी दूसरी इच्छा खत्म हो जाता है। एक बार बचाए जाने के बाद अलादीन महल में लौटता है और जफर को जादुई कोबरा कर्मचारियों को नष्ट कर देता है, जिससे सुल्तान पर उसका जादू खत्म हो जाता है और उसकी साजिश का खुलासा हो जाता है। इसके बाद जफर को गिरफ्तार कर कलकोठरी में कैद कर दिया गया। सुल्तान अलादीन को जैस्मिन से शादी करने की अनुमति देता है। अलादीन जिन को मुक्त करने के अपने वादे को मुकर जाता है। उसे लगता है कि वो उसके बिना अपना काम जारी रख पाने में असमर्थ है। इस बात से निराश होकर अलादीन झूठ बोलना जारी रखना चाहता था। जिन अपने दीपक के पास चला जाता है। अपने तोते के साथ ही यावो से मुक्त होकर जफर ने लैंप चुरा लिया और जिन का नया मालिक बन गया। वो अपनी पहली इच्छा का उपयोग सुल्तान बनने के लिए करता है और अपनी दूसरी इच्छा का उपयोग दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए करता है। इसके बाद जफर अलादीन को बेनकाब कर देता है। उसे और अब्बू को एक जमी हुई बंजर भूमि में निर्वासित कर देता है और सुल्तान और डालिया को मारने की धमकी देता है, जब तक कि जैस्मिन उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं हो जाती। शादी में जैस्मिन दीपक को जफर से बचाती है और अलादीन और अबू के साथ भागने के लिए जादुई कालीन पर कूद जाती है, जिन्हें जादुई कालीन द्वारा जमे हुए बंजर भूमि से बचाया गया था। जब जीन ने उसे जफर की पीठ के पीछे भेज दिया था, जफर अलादीन और जैस्मिन को फिर से
पकड़ने और जादुईकालीन को नष्ट करने के लिए एक रेत ट्विस्टर का उपयोग करता है। अलादीन ने जफर को जिन के बाद दूसरे स्थान पर होने के लिए ताना मारा और उसे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करने के लिए उकसाया। जफर एक जिन में बदल जाता है और अपने ही दीपक के अंदर फंस जाता है। इयागो को अपने साथ खींच लेता है और जिन उन्हें चमत्कारों की गुफा में भेज देता है। अब जादुई कालीन को बचाता है और जिन उसे ठीक करता है। अलादीन अपना वादा निभाता है और अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग जिन को मुक्त करने के लिए करता है, जिससे उसे एक इंसान के रूप में जीने की अनुमति मिलती है। सुल्तान ने जैस्मिन को नई सुल्ताना शासक का ताज पहनाया। अब वो किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए बाध्य नहीं है, वो खुद ही वहाँ का शासक बन जाती है और वो और अलादीन शादी कर लेते हैं। जिन दालिया से शादी करता है और ये एक परिवार शुरू करते हैं और एक साथ दुनिया का पता लगाते हैं। जिन नाभिक बन जाता है जो फिल्म की शुरुआत में अपने बच्चों को अलादीन के बारे में कहानी सुना रहा है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है।